हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग मास्टर्स ऑनलाइन पोर्टल। सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइव आ जाएं, देखें आवाज़ वॉइस वगैरह चेक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। बहुत अच्छा सेशन जिसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम रहती है बच्चों को लेबलिंग को लेकर। तो लेबलिंग को हम ए टू जेड जितना भी बिल्कुल जीरो बेसिक से सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। हर वैरायटी को हम यहाँ पे कवर करेंगे। क्वेश्चन हमारे लिमिटेड रहेंगे पर जो हमारे टॉपिक का कवरेज रहेगा वो फुल रहेगा यहाँ पे। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी आ जाएं। केवल किशोर, गुड इवनिंग, गुड लक टू ऑल। बिल्कुल गुड लक, क्योंकि एक अच्छा सेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग फिर से पेन पेपर लेके सभी लोग बैठ जाएं। अनिल सिंह नेगी, गुड इवनिंग। कपिल नोटियाल, गुड इवनिंग। अमित पुरोहित, बिल्कुल ऐसे ही एक्टिव बने रहना है। और बहुत अच्छा सेशन लेबलिंग का। हर एक छोटा छोटा जो टॉपिक हमारे रह जाते हैं उनको भी हम बारीकी से छोटा छोटा करके ऑब्जेक्टिव के ही थ्रू कवर करने वाले हैं आज के सेशन में। गुड इवनिंग विनोद डंगवाल। तो जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएं ताकि हम एक क्वेश्चन स्टार्ट कर सकें, एक अच्छा सेशन हम स्टार्ट कर सकें। आवाज़ वॉइस वगैरह चेक कर लें एक बार, एवरीथिंग इज़ ओके। गुड इवनिंग पहाड़ी प्रो, जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएं ताकि हम अपना एक सेशन स्टार्ट कर पाएं। तो बी प्रिपेयर्ड ऑलवेज, एक कहावत है कि कोई भी जो अपॉर्चुनिटी है वो ये कभी नहीं देखती है कि आप किसी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो या नहीं हो। तो हर एक टाइम आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहें कि अभी ऐसा ये मत सोचे कि ये सेशन लेबलिंग का है कि लेबलिंग तो मैंने पढ़ी नहीं है कि अभी मैं इसको पढ़ूंगा आगे फिर जाके मैं क्वेश्चन लगाऊंगा। तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, अगर आपको एक जगह में अपनी सिलेक्शन की सीट लेनी है तो बी प्रिपेयर्ड ऑलवेज। हमेशा हर जगह पर आप बिल्कुल हर चीज़ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहें। सुशील पयाल, एवरीथिंग इज ओके। बिल्कुल अनिल सिंह ने की वॉइस क्लियर है। मनोज चौंगड़िया, गुड इवनिंग टू ऑल। ओके चलो चलो सेशन बढ़ाते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं। सब ओके है। लेबलिंग डील्स विद द मेजरमेंट इन, ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन या इनक्लाइंड प्लेन। तो चार ऑप्शन है आपके सामने और क्वेश्चन है कि लेबलिंग हमारा किस में डील करता है, कौन सा मेजरमेंट है। अच्छा चलो ये तो क्वेश्चन है, मेरा सवाल ये है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। इसके साथ साथ मेरा एक सवाल और है आपसे, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लेबलिंग। लेबलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव भी बताना मुझे। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लेबलिंग, ऑब्जेक्टिव भी बताना। आज पेन भी अच्छी लिख रही है शायद, पेन ओके है, पेन में भी मजा आ रहा है। तो ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे। आंसर आने लग गए हैं बी बी, बिल्कुल। कपिल नोटियाल, अनिल सिंह नेगी, पहाड़ी प्रो, मनोज टंगड़िया, नील साहब, बिल्कुल बी। लो लेबलिंग में आपको मैंने आपसे पूछा है आपका इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो लेबलिंग आपका डील करती है कहाँ पे, मेजरमेंट इन वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकल प्लेन मतलब इस वाला प्लेन, हमारे पास दो प्लेन है, एक हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल ये हुआ और वर्टिकल प्लेन हमारा ये है। तो वर्टिकल प्लेन मतलब एलिवेशन, वर्टिकल प्लेन मतलब एलिवेशन। तो लेवलिंग में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एलिवेशन। तो ऑब्जेक्टिव, एस्टेब्लिश हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखें ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव में बहुत कम लोगों के आंसर आए यहां पे। तो लेवलिंग का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि किसी पॉइंट की एलिवेशन फाइंड आउट करना। कि लेबलिंग सर्वेइंग की वो ब्रांच है जहां पर हम किसी पॉइंट का एलिवेशन फाइंड आउट करते हैं किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में या एज्यूम्ड डेटम के रेस्पेक्ट में। तो दैट इज नोन एज व्हाट, लेबलिंग। उसे हम ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, लेबलिंग। तो कहीं पर भी लेबलिंग आए तो दैट मींस एलिवेशन और हाइट। ये चीज आपने ध्यान रखना है कि लेबलिंग का मतलब एलिवेशन और हाइट से है। बिल्कुल सभी के आंसर सही आए। टू डिटरमाइन द एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एज्यूम्ड डेटम, बिल्कुल बिल्कुल। देखें सिविल इंजीनियर भी सही बोल रहे हैं, टू फर्निशिंग द ग्राउंड लेवल, बिल्कुल। तो आप जब उनको ग्राउंड लेवल को तभी कर पाएंगे फर्निश या फिनिशिंग प्रॉपर तभी दे पाएंगे जब आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के आरएल या एलिवेशन फाइंड आउट कर पाएंगे। तो बेसिकली लेबलिंग है क्या, एलिवेशन या हाइट को फाइंड आउट करना। ओके गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
अ लेवल लाइन इज लाइन पैरेलल टू मीन स्फेरिकल सरफेस ऑफ द अर्थ. दूसरा ऑप्शन है लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ क्रॉस ईयर एंड सेंटर ऑफ आईपीस लेंस. और तीसरा ऑप्शन है लाइन पासिंग थ्रू ऑब्जेक्टिव लाइन एंड आईपीस. और चौथा ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल लाइन. आप लोग इसके आंसर के साथ साथ मुझे हर एक ऑप्शन का आंसर बताएंगे कि कौन सी लाइन क्या कहलाई जाएगी. इस लाइन को मैं क्या कहूंगा, इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा, इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, कि ये सारे के सारे ऑप्शन आपने देने हैं. तो ऑप्शन आने लग गए यहां से, हिमांशु डोबरियाल ए, दीप्ति मैकुरी ए, नवीन राणा ए, बिल्कुल सेकंड का ए, बहुत अच्छा. पर सवाल आपका खत्म हुआ नहीं है. सवाल आपका ये है कि ऑप्शन बी लाइन पासिंग थ्रू, एक ऑब्जेक्टिव से हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव करेंगे, सेंटर ऑफ क्रॉस ईयर एंड आईपीस उसको हम क्या बोलेंगे, फिर लाइन पासिंग थ्रू ऑब्जेक्टिव लाइन एंड आईपीस उसको हम क्या बोलेंगे, और हॉरिजॉन्टल लाइन हम किसे बोलते हैं. चार क्वेश्चन मैंने आपके यहाँ पर तैयार करा दिए हैं, तो चारों के आंसर मेरे पे आने चाहिए. ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, सभी के आंसर आप देते हुए चलें. तो बिल्कुल सबसे पहला आपका है लाइन पैरेलल टू मीन स्पेरिकल सरफेस ऑफ अर्थ. तो मीन स्पेरिकल सरफेस वो सरफेस होता है जो आपका हर एक पॉइंट पे क्या होता है, आपके अर्थ के सरफेस के पैरेलल होता है. और उस लाइन, उस पैरेलल सरफेस पे जो लाइन लाई करती है उसे हम बोलते हैं लेवल लाइन. तो लेवल लाइन हमेशा क्या होगी, लेवल सरफेस के पैरेलल होगी, या मीन स्पेरिकल सरफेस के क्या होगी, पैरेलल. तो ऑप्शन बिल्कुल सही बताया है ए. उसके बाद ऑप्शन बी दे रहा है लाइन ऑफ साइट. बिल्कुल लाइन पासिंग थ्रू क्रॉस ईयर्स एंड सेंटर ऑफ आईपीस. जो लाइन आपकी किसके थ्रू, सेंटर ऑफ क्रॉस ईयर्स एंड आईपीस से पास होती है उसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट. क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट. बिल्कुल सही आया है. अब देखें फिर लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या है. चलो किसी का आंसर इसमें है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन भी आया, लाइन ऑफ कॉलिमेशन भी आपसे मैं पूछना चाहूंगा इसी के साथ साथ. ओके, हम तीन चार क्वेश्चन एक साथ रेडी करेंगे. बिल्कुल, अब देखिए लाइन पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्टिव लाइन एंड एक्स, ये यहां पर किसी ने कुछ बताया इसका आंसर, ऑप्शन सी, सी को लाइन ऑफ साइट बता रहे हैं. सी आपका मनोज चंगड़िया जी बिल्कुल सही आए हैं. एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप बोला जाता है जो लाइन आपके ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस से आईपीस को टच करते हुए जाती है. लेट अस सपोज ये आपका इस तरीके से टेलीस्कोप है और ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो इसके सेंटर से पास होते हुए इसके सेंटर से जो जाएगी, दैट इज एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप. तो ऑप्शन सी तो एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप है. ओके, डी ट्रूनोनियन एक्सिस. अभी देखते हैं ट्रूनोनियन एक्सिस, अभी आप पढ़ेंगे, यहां पर ट्रूनोनियन एक्सिस नहीं बोलेंगे हम, सिविल इंजीनियर. अच्छा, मैंने आपसे पूछा, बिल्कुल मैं यहां पर, यहां केवल किशोर के आंसर एक साथ आए. मैं देखता हूं ए, लेवल लाइन, लाइन ऑफ साइट, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, लाइन टेंजेंशियल टू लेवल लाइन. बिल्कुल केवल किशोर के आंसर मेरे को एक साथ सारे मिल गए हैं. बिल्कुल ये आपकी है लेवल लाइन, लेवल लाइन. दूसरी मैंने आपको बता दी लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट. तीसरी मैंने आपको बता दी एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप. और हॉरिजॉन्टल लाइन वही लाइन है जो इस लेवल लाइन के टेंजेंशियल लाइन होगी, या वो लाइन जब हम अर्थ के शेप को कंसीडर नहीं करते हैं तो वो लाइन आपकी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन. अब मेरा सवाल था जो बच्चों पे कंफ्यूजन रहता है कि आपका एक्सिस लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या है. तो देखें लाइन ऑफ साइट क्या है, देखा आपने कि क्रॉस हियर से ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस को जो मिलाती है. ओके, माना यहां पर आपको पता है आईपीस के आगे हमने क्या रखे, ऐसे क्रॉस हियर से रखे, क्रॉस हियर से ऐसे. तो इस लाइन को जो मिलाया आपका क्या कहलाया आपने, लाइन ऑफ साइट. तो लाइन ऑफ साइट ही लाइन ऑफ कॉलिमेशन होती है. डोबरियाल जी का आंसर आया है कब, जब आपका इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई करता है एग्जैक्टली, तो आपका उस समय हम लाइन ऑफ साइट को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कॉलिमेशन भी बोलते हैं. बिल्कुल यहां पर देखें जिस समय आपका लाइन ऑफ साइट, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, उस टाइम पे हम लाइन ऑफ साइट या एक्सिस लाइन ऑफ कॉलिमेशन उसको बोल सकते हैं. बट अगर ये इंस्ट्रूमेंट को मैंने टेलीस्कोप को थोड़ा टिल्ट कर दिया, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं, इस चीज को समझें. तो जब आपका ये टाइप से था,
ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, यहाँ पर आपका माना ये डायफ्राम लगाया जिसमें क्रॉस ईयर्स हैं, तो इससे ये ऑप्टिकल सेंटर को जो लाइन मिलाई है लाइन ऑफ साइट बोला, और अगर ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, लाइन ऑफ कॉलिमेशन भी हम इसको बोलेंगे। बट अगर इसको हमने क्या कर दिया, थोड़ा टिल्ट कर दिया, तो अब आपका जब आपने टेलीस्कोप को टिल्ट किया तो क्या हुआ, ये आपके डायफ्राम थे और आपका इधर ऑप्टिकल ऑब्जेक्टिव लेंस था, तो ये लाइन जो जोड़ी, अब इसको मैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन नहीं कहूंगा बट मैं इसको लाइन ऑफ साइट जरूर बोल दूंगा। तो लाइन ऑफ साइट एक्चुअल में, या लाइन ऑफ कॉलिमेशन एक्चुअल में लाइन ऑफ साइट तब कहलाई जाएगी जब आपका इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजिशन में होगा। तो यहां पर बहुत लोगों के आंसर आए हैं, ये अगर ये डाउट क्लियर हो गया है आपका बिल्कुल लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कॉलिमेशन का, तो प्रिफरेंस इसलिए लाइन ऑफ साइट को दी जाती है इन ऑब्जेक्टिव में, क्यों दी जाती है, तो अगर ये डाउट क्लियर हो गया है तो ओके बोले एक बार। किसी को डाउट है फिर से, मैंने आपको बस ये बताया कि लाइन ऑफ साइट को मैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन तब बोलूंगा जब आपका इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजिशन में होगा, ये है ना। बट अगर जैसे ही आपने इसको कुछ एंगुलर टिल्ट दे दिया तो अभी भी डायफ्राम से और ऑब्जेक्टिव लेंथ से एक टारगेट तो काटेगा ही, पर इस टाइम पे मैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन नहीं बोलूंगा इसको, इस समय मैं इसको केवल लाइन ऑफ साइट ही बोलूंगा। तो सबको ओके है, गुड इवनिंग रक्षा गोरेला, गुड इवनिंग सुमित जोशी, बिल्कुल ये बिल्कुल ओके, डाउट क्लियर है। यहां से देखें जिसको डाउट था कहीं कहीं पे, कब आप लाइन ऑफ साइट बोलेंगे, प्रिफरेंस लाइन ऑफ साइट को इसलिए दी जाती है। ओके, तो लाइन ऑफ साइट एक्चुअल में लाइन ऑफ कॉलिमेशन, लाइन ऑफ कॉलिमेशन लाइन ऑफ साइट कह सकते हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि आपका लाइन ऑफ साइट लाइन ऑफ कॉलिमेशन होगा, ये ध्यान रखेंगे आप। ओके बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब डाउट क्लियर है नेक्स्ट। मीन सी लेवल MSL अडॉप्टेड बाय सर्वे ऑफ इंडिया फॉर रिफरेंस इज लोकेटेड एट, इज लोकेटेड एट कोलकाता, मुंबई, कराची, दिल्ली। चार ऑप्शन है जो मीन सी लेवल है आपका, ये तो सभी को पता है मीन सी लेवल। मीन सी लेवल हमारा क्या होता है, डेटम होता है, जो हम अज्यूम्ड डेटम मानते हैं, जो हमारा रिफरेंस पॉइंट है, दैट इज मीन सी लेवल ही हमारा एज्यूम्ड डेटम लिया जाता है। जो हम एलिवेशन की बात करते हैं कहां के रेस्पेक्ट में करते हैं, मीन सी लेवल की बात करते हैं। तो यहां पर मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा। सर आई एम फ्रॉम नेपाल, संतोष यादव, कोई बात नहीं, आप देखें हिंदी आपके समझ में आती होगी, नेपाल से हो आप, तो संतोष जी समझ में आ रही होंगी, सिलेबस सेम है इंजीनियरिंग का, एक बार फिर से देख लें। तो बिल्कुल मुंबई से बताया आपका, तो मीन सी लेवल जो है आपका इस्टेब्लिश कहां से किया गया है, मुंबई से। कराची था कब, बस आपका जब आजादी से पहले की बात करते थे तो तब आपका कराची था, तो बहुत ऑप्शन में अभी भी कराची दिया रहता है बुक्स में, तो कराची नहीं होगा, इसका आंसर होगा मुंबई। ओके, और बिल्कुल एक क्वेश्चन और फिर से, मैं जो हरेंद्र कंडारी मैं पूछ रहा था मीन सी लेवल एक्चुअल में होता क्या है, व्हाट इज मीन सी लेवल, और कितने ईयर का डाटा लिया जाता है मीन सी लेवल को निकालने के लिए, ईयर डाटा, चार पांच क्वेश्चन हम लेके चलेंगे यहां पर, मीन सी लेवल होता क्या है और कितने ईयर का डाटा है, बिल्कुल डाटा यहां से बहुत बच्चों ने बताना शुरू कर दिया। तो मीन सी लेवल एक्चुअल में क्या है, आपने देखा है समुद्र में क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइड्स फॉर्म होती हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइड्स फॉर्म होती हैं, तो इनकी जो एवरेज हाइट ली जाती है दैट इज द मीन सी लेवल, इसको हम क्या बोलते हैं, मीन सी लेवल। तो आवरली टाइड्स जो आपके फॉर्म होते हैं, बिल्कुल एनी हाइट ऑफ सी ऑफ ऑल स्टेटेस्ट और टाइड एवरेजिंग आवरली हाइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर जो एवरेज हाइट ली जाती है इसी को हम क्या बोलते हैं, मीन सी लेवल, बिल्कुल बहुत सही आया केवल किशोर। और कितने ईयर का डाटा है, 19 ईयर का, बहुत अच्छा। तो यहां पर आपका पर्पज ये नहीं होना चाहिए, मेरा पर्पज आपको 20-25 क्वेश्चन कराने के अलावा आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पर कवर करने का है, तो इस चीज को पूरा लेके चलेंगे आप और एनर्जी बिल्कुल बना के चलेंगे पहले से, बिल्कुल बहुत सही। नेक्स्ट, बेंचमार्क इज एस्टेब्लिश्ड विथ, जो बेंचमार्क होते हैं, तो बेंचमार्क क्या होते हैं, एक तो ये आप बताएंगे मुझे व्हाट इज बेंचमार्क, पहला क्वेश्चन। तो उसे इन तीनों में कौन सी लेबलिंग से एस्टेब्लिश किया जाता है, बैरोमेट्रिक लेबलिंग से, टिग्नोमेट्रिक लेबलिंग से, या स्प्रिट लेबलिंग से। ओके,
अब देखें लेबलिंग का मतलब जहां भी समझ में आना है, लेबलिंग का मतलब है एलिवेशन या हाइट से। लेबलिंग का मतलब क्या होता है? एलिवेशन और हाइट। ओके, अब यहां पे आपका क्वेश्चन है कि बैरोमेट्रिक लेबलिंग सॉरी बेंचमार्क किससे एस्टेब्लिश किए जाते हैं। तो क्वेश्चन मेरा यह भी था कि व्हाट इज बेंचमार्क नोन आरएल। बिल्कुल, ऐसा पॉइंट जिसका एलिवेशन हमें ऑलरेडी नोन होता है, नोन आरएल। या आरएल क्या है? फिर आरएल एक सवाल आ जाता है कि किसी भी पॉइंट की हाइट मीन सी लेवल से, एलिवेशन विथ रेस्पेक्ट टू मीन सी लेवल। अभी आगे भी आएगा ऐसा ऑब्जेक्टिव, तो उसे हम बोलते हैं आरएल। और वही आरएल अगर हमें नोन होता है तो दैट इज नोन एज बेंचमार्क। तो बेंचमार्क किससे? बिल्कुल बहुत सही आंसर आ चुके हैं आपके, स्प्रिट लेबलिंग। स्प्रिट लेबलिंग से इसको हम एस्टेब्लिश करते हैं। और होती क्या क्या है इंडिविजुअली मैं आपको अगर बताऊं तो पहली आती है बैरोमेट्रिक। तो बैरोमीटर से देखो हम क्या नापते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या नापते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आंसर इसका तो बिल्कुल सही है, स्प्रिट लेबलिंग इसका सही है। और हल्का हल्का हम इनके बारे में डिटेल ले लेते हैं। बैरोमेट्रिक, बैरोमीटर से नापते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। तो आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है। तो ये क्या कहता है कि किसी दो पॉइंट पे अगर मैं यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करूं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पर मोर होगा और यहां पर लेस होगा। और यहीं पर अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट यहां पर मोर है और यहां पर हाइट क्या है, लेस है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, वो प्रोपोर्शनल होगा इनके एलिवेशन के डिफरेंस के, ऐसा कहती है बैरोमेट्रिक लेबलिंग, इसलिए ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। ओके, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक लेबलिंग क्या कहती है कि यहां पर आपने ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई की, यहां पर कोई इंसान खड़ा है, यहां पर कोई लाइट हाउस है या कोई टावर है। तो इस तरीके से जब हम मेजर करते हैं इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ एंगल किसी की हाइट या एलिवेशन, तो दैट इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। और जब हम लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट जो डंपी लेबल है, स्टाफ वगैरह है, उसकी मदद से हम जब एस्टेब्लिश करते हैं, दैट इज नोन एज स्प्रिट लेबलिंग। तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट आपका स्प्रिट लेबलिंग होता है और नोन आरएल रेफरेंस पॉइंट है, तो इसीलिए स्प्रिट लेबल से ही हम क्या करेंगे, इसको एस्टेब्लिश करेंगे। तो बहुत सही आंसर आया है। चलो नेपाल से आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा नेपाल से आगे बढ़ो। सब नेपाल में कहां चले गए आप लोग, यहां आए। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेंचमार्क इज मोस्ट एक्यूरेट। इनमें से चार ऑप्शन है, कौन सा बेंचमार्क आपका सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है? जीटीएस बेंचमार्क ऑप्शन, परमानेंट बेंचमार्क, टेम्परेरी बेंचमार्क, आर्बिट्रेरी बेंचमार्क। और थोड़ा थोड़ा मेरे को आइडिया भी दे देंगे, किसी बच्चे ने पढ़ा है इनके बारे में तो थोड़ा थोड़ा आइडिया भी दे देंगे सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सा होता है, पहली बात। और दूसरी बात कि इनके बारे में हल्का हल्का आइडिया। देखें बिल्कुल आंसर आने लग गए हैं, देखते हैं किसका आया था। ए बिल्कुल नील शाह जी, ए अनिल नेगी, प्रियंका, अमित पुरोहित, पहाड़ी प्रो, सुमित जोशी, बिल्कुल ये बच्चों की एक्टिवनेस को भी दिखा रहा है, विवेक पाठक, बिल्कुल। तो जीटीएस इसका फुल फॉर्म है आपका ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वेड बेंचमार्क, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे बेंचमार्क। ओके, तो ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे बेंचमार्क ऐसे बेंचमार्क होते हैं जो नियर अबाउट 100 किलोमीटर की दूरी में बहुत ही ज्यादा बारीकी के साथ नापे जाते हैं। किसके द्वारा? सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। एक सवाल और है, सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां है? हेडक्वार्टर बताएंगे सर्वे ऑफ इंडिया का आप लोग मुझे। ओके, तो बहुत बारीकी से सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो नापा जाता है उसे हम बोलते हैं ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक बेंचमार्क, और सबसे ज्यादा एक्यूरेट यही होते हैं। परमानेंट बेंचमार्क ऑन द परमानेंट स्ट्रक्चर लाइक डैम, बिल्कुल। देखें परमानेंट स्ट्रक्चर जैसे आपके ब्रिजेस हो गए, रेलवे ट्रैक हो गए, तो उनके ऊपर भी आपने देखा होगा जो बेंचमार्क एस्टेब्लिश होते हैं परमानेंट स्ट्रक्चर के ऊपर, उसे हम बोलते हैं परमानेंट बेंचमार्क। और व्हाट इज टेम्परेरी बेंचमार्क? तो टेम्परेरी बेंचमार्क जैसे हमने कोई सर्वे का काम एंड किया तो एक दूसरा हमने, जैसे आज का काम हमने दूसरे दिन फिर से स्टार्ट करना है, तो एक बेंचमार्क जो हम अगले दिन काम खत्म करने से पहले, खत्म करने के बाद और दूसरे दिन काम खत्म करने से पहले लेते हैं, दैट इज नोन एज टेम्परेरी बेंचमार्क। नेक्स्ट आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी मतलब जो हम जस्ट जैसे कॉलेज वगैरह में हम सर्वे करते हैं तो कोई एज्यूम
ऐसे ही ले लेते हैं हम, दैट इज नोन एज आर्बिट्रेरी बेंचमार्क। बिल्कुल, न्यू दिल्ली विवेक पाठक कब शिफ्ट हो गया न्यू दिल्ली में? देहरादून है, प्राउड से बोलेंगे देहरादून। देहरादून में है आपका सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली में नहीं है। ओके, अभी आपका तो अभी तक तो देहरादून ही में है। ओके, तो यहां पर ध्यान देना, बिल्कुल सर्वे चौक नाम भी वहीं पड़ा है। तो आपका जो हेडक्वार्टर है सर्वे का वो देहरादून में है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इसमें गलती मत। ये संतोष यादव जी मुंबई, नहीं मुंबई नहीं है, देहरादून में है आपका हेडक्वार्टर सर्वे ऑफ इंडिया का। ओके, तो यहां पर ओके कर दें अगर समझ में आ गया, ये सारे टर्म्स आपके समझ में आ गए तो एक बार ओके करके आगे बढ़ते हैं हम। ओके बोल देंगे सब लोग, बिल्कुल वो एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए ना आपकी ना मेरी। ओके कर दें, आगे को बढ़ते हैं। बिल्कुल, नेक्स्ट है द मेथड ऑफ लेबलिंग यूज्ड टू कैरी आउट रिकनेसेंस ऑफ एरिया। रिकनेसेंस मतलब एक तरह से हो गया आपका रफ सर्वे, जो आप बिल्कुल रफ सर्वे करते हैं स्टार्टिंग में काम के शुरू होने से पहले। तो किसी एरिया का अगर आपने रफ सर्वे करना है तो वहां पे कौन सा आप सर्वेइंग करेंगे? ऑप्शन आने लग गए हैं, देखते हैं। चेक लेबलिंग, फ्लाई लेबलिंग, प्रोफाइल लेबलिंग, सिंपल लेबलिंग। चेक लेबलिंग, फ्लाई लेबलिंग, प्रोफाइल लेबलिंग, सिंपल लेबलिंग। तो थोड़ा सा मुझे इनके बारे में भी बता दो फिर, सिंपल लेबलिंग क्या होती है और प्रोफाइल लेबलिंग क्या होती है, फ्लाई लेबलिंग क्या होती है, चेक लेबलिंग क्या होती है। तो एक क्वेश्चन नहीं, हम चार क्वेश्चन लेके चलेंगे, चार क्वेश्चन लेके चलेंगे हम यहाँ पे। बिल्कुल, तो यहां पर आपको बताना है कि जो आपका, मैंने आपको बताया रिकनेसेंस क्या होता है, एक रफ सर्वे होता है। तो रफ सर्वे मतलब जो आप स्टार्टिंग में ऊपर ही ऊपर नजर में, पहली नजर में आप ऐसी सर्वे करके चले जाते हैं, दैट इज नोन एज रिकनेसेंस। तो रिकनेसेंस हम करते हैं फ्लाई लेबलिंग की मदद से। किसकी मदद से? फ्लाई लेबलिंग की मदद से। बिल्कुल, जिसका आंसर बिल्कुल गलत किसी ने भी नहीं दिया है, नवीन राणा बी, विवेक पाठक, प्रियंका, हरेंद्र, बिल्कुल बी होना चाहिए, बिल्कुल बी होना चाहिए, बी ही है इसका, फ्लाई लेबलिंग है। ओके, अब बात करते हैं सिंपल लेबलिंग की। सिंपल लेबलिंग क्या होती है? जब आपके जो पॉइंट हैं, और आंसर आप लोग बताते रहिए मुझे, जो आपके पॉइंट हैं ज्यादा दूर नहीं होते हैं और एक इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से आप उनको कंट्रोल कर सकते हो, है ना, तो वहां पे हम यूज करते हैं सिंपल लेबलिंग। और व्हाट इज चेक लेबलिंग? चेक लेबलिंग क्या होती है? चेक ऑलरेडी प्रोफाइल स्ट्रेट लाइन, चेक ऑलरेडी, हाँ बिल्कुल। चेक लेबलिंग क्या होती है? जो पॉइंट आपके ऑलरेडी प्लॉटेड होते हैं या ऑलरेडी आपने जिनका एलिवेशन निकालना होता है तो उनको जो चेक करने के काम आती है, दैट इज नोन एज चेक लेबलिंग। और प्रोफाइल लेबलिंग क्या होती है? बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, एक प्रोफाइल। प्रोफाइल मतलब क्या होता है? एक प्रोफाइल, प्रोफाइल मतलब एक प्रॉपर ढांचा, जिसमें है ना, एक प्रॉपर ढांचे के थ्रू जो की जाती है, दैट इज नोन एज प्रोफाइल लेबलिंग। और ये सारी की सारी लेबलिंग जो है ये आती है हमारी किसके अंदर? स्प्रिट लेबलिंग के पार्ट है ये सारे हमारे। किसके पार्ट हैं? स्प्रिट लेबलिंग, डायरेक्ट लेबलिंग के ही पार्ट हैं, क्योंकि यहां पे हम क्या यूज करते हैं? एक आपका स्टाफ और लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये सारे आपके स्प्रिट लेबलिंग के ही पार्ट हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। बिल्कुल, टू चेक द लेबल, बिल्कुल चेक ऑलरेडी, बहुत सही, सब लोग बहुत अच्छा चल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अभी हम थ्योरिटिकल में है, अभी धीरे धीरे लेबलिंग में, बिना न्यूमेरिकल के तो हो कुछ नहीं सकता, तो अभी न्यूमेरिकल में भी आएंगे। अच्छा बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द सरफेस ऑफ जीरो एलिवेशन अराउंड द अर्थ विच इज स्लाइटली इरेगुलर एंड कर्व्ड। फिर से क्वेश्चन में आता हूं, द सरफेस ऑफ जीरो एलिवेशन, ऐसा सरफेस जो जीरो एलिवेशन का है, अराउंड द अर्थ विच इज स्लाइटली इरेगुलर, इरेगुलर एंड कर्व्ड इज नोन एज। ये क्वेश्चन मैंने आपका जब फर्स्ट लेक्चर सर्वे का, फर्स्ट लेक्चर सर्वे का आपका ऑलरेडी अपलोडेड है आपका यूट्यूब में, तो उसमें बताया था ये क्वेश्चन मैंने आप, तो इसका आंसर शायद गलत नहीं करना चाहिए किसी ने, तो बी ऑप्शन आ रहे हैं, बी ऑप्शन, बिल्कुल बी, बिल्कुल बिल्कुल बी, जियोइड, जियोइड सरफेस। अब देखें ये क्वेश्चन मैं कहीं बुकों में देख रहा था, तो बुकों में यहां पर गुड सरफेस भी लिखा था ऑप्शन में, तो मैंने आपका ऑप्शन करेक्ट करके लिख दिया जियोइड। अगर जियोइड ऑप्शन में नहीं होता तब आप मीन सी लेवल की तरफ जा सकते थे, तब आप मीन सी लेवल की तरफ जा सकते थे। बट ऐसा सरफेस जो स्लाइटली इरेगुलर होता है
और जीरो एलिवेशन होता है, या आप कहते हैं कि जो बिल्कुल ओशन के जो नीचे का सरफेस है, बिल्कुल समुद्र से भी नीचे का जो सरफेस है, जो ऐसे इरेगुलर होता है, उसी को हम कौन सा सरफेस बोलते हैं? जियोइड सरफेस। तो जियोइड सरफेस जिसका भी आंसर है, सभी का आंसर है, नवीन राणा, संतोष यादव, दीप्ति मैकुरी, विनोद डंगवाल, अनिल सिंह नेगी, कोई दिक्कत नहीं है संतोष जी, आप एमसीक्यू सेशन करें। आपने अगर ये सेशन नहीं भी किया है, बस आप एमसीक्यू सेशन करें, आप लेबलिंग का चैप्टर फिर कैसे भी पढ़ेंगे, आप यहीं से पूरा क्लियर करके ले जाओगे। कोई क्वेश्चन इसमें, कोई टॉपिक नहीं छूटेगा हमारे जो हम एमसीक्यू राउंड चला रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका लेबलिंग का यहाँ पे नहीं छूटने वाला है। तो बिल्कुल जियोइड सरफेस सभी का आंसर आ गया है, तो बहुत सही आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट With respect to assumed datum is called, किसी पॉइंट का एलिवेशन assumed datum के रेस्पेक्ट में क्या कहलाया जाता है? ऑप्शन है बेंचमार्क, और मुझे ये ऐसा लग रहा है कि दो तीन बच्चे तो गलत देंगे इसको, अभी तक सही का थोड़ा रिदम टूटेगा। डेटम पॉइंट, रिफरेंस पॉइंट या रिड्यूस्ड लेवल, चार ऑप्शन है। द एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू एज्यूम्ड डेटम इज कॉल्ड बेंचमार्क, डेटम पॉइंट, रिफरेंस पॉइंट, आपका रिड्यूस्ड लेवल। देखो सबसे पहले गलत आ गए हैं आपका अमित पुरोहित, प्रियंका जी फिर से गलत, अंकित चौधरी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, फिर से देखें यहां पर नॉन एलिवेशन थोड़ा ना बोला है भैया, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया नहीं, बस नॉन एलिवेशन किसने बोला यहां पर? नॉन एलिवेशन होता तब आंसर होता बेंचमार्क। RL क्या होता है? देखो चार पांच चीजों में पूरी सर्वेइंग चल रही है, चार पांच चीजों में ये सॉरी पूरा चैप्टर चलेगा आपका, सबसे पहला RL ही होता है, रिड्यूस्ड लेवल। तो रिड्यूस्ड लेवल कुछ मत समझो आप, किसी पॉइंट का एलिवेशन कहां से, मीन सी लेवल से, एलिवेशन फ्रॉम एज्यूम्ड डेटम या मीन सी लेवल। तो एज्यूम्ड डेटम हमारा जनरली मीन सी लेवल होता है। तो बहुत देख रहा था मैं सी दे रहे हैं, रिफरेंस पॉइंट नहीं, रिफरेंस पॉइंट तो कोई पॉइंट हो गया। क्वेश्चन समझे फिर से, द एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट का हाइट विद रेस्पेक्ट टू एज्यूम्ड डेटम, एज्यूम्ड डेटम मतलब कुछ भी हो सकता है ना, तो एज्यूम्ड डेटम आपका जनरली मीन सी लेवल होता है। तो किसी भी पॉइंट का मीन सी लेवल से हाइट को हम बोलते हैं आर एल ऑफ अ पॉइंट। अगर वही आपका नोन है दैट इज बेंचमार्क, उसको हम बोलते हैं बेंचमार्क। और डेटम मैंने आपको बता दिया, डेटम क्या होता है, जिसके रेफरेंस में हम बात कर रहे होते हैं, जिस पॉइंट के भी रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे। जैसे मैं बोलूंगा कि ये पॉइंट इस पॉइंट से इतने ऊपर है, तो ये मेरा डेटम हो जाएगा। अगर यही मीन सी लेवल होता, मैं बोलता मीन सी लेवल से देहरादून की हाइट इतने ऊपर है, तो वहां पर देहरादून मेरा क्या हो जाता, डेटम हो जाता। तो जिसके रेस्पेक्ट में भी हम बात करते हैं दैट इज डेटम। फिर आता है आपका बैक साइड, फॉर साइड, इंटरमीडिएट साइड, एच आई और राइज एंड फॉल, ये पूरा चैप्टर इसके इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है। तो यहां पर आंसर जितनों ने गलत दिया मैंने पहले बता दिया था, बिल्कुल आपका आंसर होगा इसका रिड्यूस्ड लेवल, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका, डी ऑप्शन बिल्कुल बहुत अच्छा। तो सभी के आंसर आ गए थे, जो गलत कर रहे थे पकड़ पाए हैं आप? संतोष यादव जी सी रिफरेंस पॉइंट नहीं, अमित पुरोहित ने भी गलत दिया था, प्रियंका ने भी गलत, ओके अभी तो आएगी गलतों की बरसात। चलो नेक्स्ट है आपका, द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ लेबलिंग इज, जो राइज एंड फॉल मेथड है एक्चुअल में हमारा आरएल फाइंड आउट करने के लिए, या हम बोले कि आपका अर्थमेटिक चेक प्रोवाइड कराने के लिए, दो मेथड हमारे पास रहती हैं। थोड़ा रेड पेन यूज करते हैं, ब्लैक का उतना मजा नहीं आ रहा, थोड़ा रेड यूज करते हैं थोड़ी देर। चलो बता देना रेड का कैसी विजिबिलिटी आपको। तो यहां पर देखें दो मेथड होती हैं, पहली मेथड है आपकी एच आई मेथड और दूसरी मेथड होती है आपकी राइज एंड फॉल मेथड। तो अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है इनकी, बात करेंगे लेक्चरों में भी, है ना। तो आपको पूछ रहा कि एच आई मेथड और राइज एंड फॉल मेथड में, मतलब राइज एंड फॉल मेथड ऑफ लेबलिंग इज, पहला ऑप्शन है क्विकर एंड लेस टेडियस फॉर लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएट स्टेशन, दूसरा है इज नॉट सुटेबल फॉर लेबलिंग विद टिल्टिंग लेबल्स, तीसरा है लेस एक्यूरेट देन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, और चौथा है प्रोवाइड्स अ चेक ऑन रिडक्शन ऑफ इंटरमीडिएट लेबल। तो ऑप्शन ज्यादातर के डी आने लग गए हैं, चलो मैं डी लगा देता हूं, और डी आंसर आपका सही भी है।
तो थोड़ा सा डिफरेंस अगर हम जान लें तो एचआई मेथड जो है आपका वो आपकी क्विकर है, लेस टेडियस है फॉर लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएट साइड, ये ध्यान दें। अगर एचआई मेथड का पूछा होता तो ऑप्शन ए होता, और एचआई मेथड से केवल हमें बैक साइड और फॉर साइड में ही अर्थमेटिक चेक प्रोवाइड कराया जाता है, और ये जल्दी जल्दी वाली काम है और ज्यादा तामझाम वाला काम नहीं है। अब मेरा सवाल ये है कि एचआई मेथड और आपका जो राइज एंड फॉल मेथड है उनका अर्थमेटिक चेक पूछा जाता है, अर्थमेटिक चेक क्या कहता है इन दोनों का? तो इन दोनों, अब देखिए राइज एंड फॉल मेथड क्या है, बैक साइड फॉर साइड और एज वेल एज इंटरमीडिएट साइड, बैक साइड फॉर साइड एज वेल एज इंटरमीडिएट साइड सभी में आपका अर्थमेटिक चेक प्रोवाइड कराती है। अब जब सभी में करा रही तो एक्यूरेट भी ज्यादा कौन होगी, राइज एंड फॉल मेथड होगी, एक्यूरेट होगी तो थोड़ा टाइम भी लगेगी, टाइम कंज्यूमिंग भी होगी, है ना। तो सी और ए ऑप्शन अगर होता तो वो होता आपका एचआई मेथड के लिए। अब मैंने आपसे पूछा है कि इसका अर्थमेटिक चेक क्या कहता है, अर्थमेटिक चेक क्या कहता है, तो अर्थमेटिक चेक क्या कहता है एचआई मेथड का, पहले मैं एचआई मेथड का लिख रहा हूं कि समीशन ऑफ बैक साइड माइनस समीशन ऑफ फॉर साइड इज इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल, ओके। और वहीं अगर मैं बात करूं किसके, आपके राइज एंड फॉल मेथड की, तो वहां पर हम एचआई ना निकाल के हम राइज एंड फॉल निकालते हैं, तो वहां पर हो जाता है समीशन ऑफ बैक साइड पूरा यही है माइनस समीशन ऑफ फॉर साइड इज इक्वल टू समीशन ऑफ राइज आ जाएगा, बस माइनस समीशन ऑफ फॉल आ जाएगा इज इक्वल टू बाकी वही है लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल, ये भी पूछा गया था, तो इस चीज को ध्यान रखना। मुझे लगता है ये आता है आपको, बस आपसे टाइप नहीं हो पा रहा है, ओके यही बात है, तो ओके कर दें, समझ में आ गया है, ओके कर दें, बिल्कुल एनर्जी डाउन नहीं करनी, अभी तो न्यूमेरिकल आए नहीं है, तो समझ में आया होगा। चलो आगे को बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ लेबलिंग ऑपरेशन, किसी लेबलिंग ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन है द फर्स्ट साइड ऑन एनी पॉइंट इज अ बैक साइड, किसी पॉइंट पे जो फर्स्ट साइड होती है वो बैक साइड होती है, ओके। दूसरा ऑप्शन है द सेकंड साइड ऑन एनी चेंज पॉइंट इज अ फोर साइड, ओके। तीसरा ऑप्शन है द लाइन कमेंसेस विद अ फोर साइड एंड क्लोजेस विद बैक साइड, और चौथा ऑप्शन है द लाइन कमेंसेस विद बैक साइड एंड क्लोजेस विद फोर साइड। अब चार ऑप्शन आपके सामने है, टेंथ का ऑप्शन आने लग गया है, अमित पुरोहित का डी, केवल किशोर का फर्स्ट ए डी, चलो देखते हैं। तो देखें फर्स्ट साइड ऑन एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जो फर्स्ट साइड होती है वो बैक साइड होती है, कह रहा किसी पॉइंट पे, ओके। तो देखो जो ए आ रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको यहां पर जो ए आ रहे हो देखो वो ये नहीं बोला है, देखो फर्स्ट साइड ऑन एनी पॉइंट, अरे भैया एनी पॉइंट तो कुछ भी हो सकता है, यहां पर आता हूं मैं, ये सर्वेइंग का फील्ड है, एक पॉइंट ही है तो एनी पॉइंट ही तो है, एनी पॉइंट, ये एनी पॉइंट ही तो है, अगर मैं यहां पर स्टाफ रख दूं तो ये मेरी क्या बैक साइड होगी हमेशा, क्या ये मेरी बैक साइड होगी हमेशा? अगर ये ए ऑप्शन वाले हैं, मैं उनका थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना आप लोग, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि एनी पॉइंट, यहां पर थोड़ा सा पकड़े हैं, द फर्स्ट साइड ऑन एनी पॉइंट, ये नहीं बोला है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से ली जाने वाली पहली रीडिंग या पहली साइड इज बैक साइड, है ना। तो इसीलिए यहां पर किसी भी पॉइंट पे जो आपकी पहली तो साइड होगी फर्स्ट साइड वो आपकी बैक साइड होगी, जरूरी थोड़ा है, अगर वो उस पॉइंट का हमें आरएल पता होता और वहां पर से हम लेते तब वो आपकी होती बैक साइड, ओके बिल्कुल डी ऑप्शन होगा इसलिए इसका। जो देखें दूसरा ऑप्शन तो वैसे ही गया, पहला ऑप्शन जो डाउट था वो समझ में आ गया सभी को, तो आ गया तो ओके कह दे, एनी साइड बोला है इसलिए पहला नहीं होगा। अगर ऐसा बोला होता कि फर्स्ट रीडिंग ऑन एनी पॉइंट, फर्स्ट रीडिंग टेकन फ्रॉम एनी इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इज बैक साइड, तब मैं पहले के तरफ जाता, तो पहला वाला नहीं क्यों नहीं होगा, सबको डाउट क्लियर है तो ओके कर दें। दूसरा ऑप्शन देखें द सेकंड साइट ऑन एनी चेंज पॉइंट इज ऑफ फोर साइड, नहीं वो इंटरमीडिएट साइड भी तो हो सकती है, जरूरी थोड़ा है कि फोर साइड ही हो, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट स्टेशन में बैक साइड फोर साइड इंटरमीडिएट साइड सब होंगी। तीसरा द लाइन कमेंसेज विद फोर साइड एंड क्लोजेज विद बैक साइड, नहीं लाइन तो हमेशा आपकी किससे शुरू होती है, आपकी फोर बैक साइड से, और शुरू खत्म किस पे होती है आपकी फोर साइड पे, किस पे खत्म होती है फोर साइड पे, तो ऑप्शन डी यहां पे
सही होगा। तो बिल्कुल बहुत लोगों ने डी आंसर दिया था, तो डी आंसर ही होगा इसका। तो डाउट है ओके है, केवल किशोर ने भी ओके कर दिया है, चलो तो सही बात है, आपका ऑप्शन होगा डी। चलो नेक्स्ट पॉइंट, द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू, अब हम आए हैं थोड़ा सा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की तरफ को, कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू क्या होती है, कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होती है। पहला ऑप्शन है रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क माइनस बैक साइड, दूसरा ऑप्शन है रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड, तीसरा ऑप्शन है रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क प्लस फोर साइड, और चौथा ऑप्शन है आपका रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क प्लस इंटरमीडिएट साइड। ओके, आंसर आने शुरू हो गए हैं ऑप्शन बी के साथ, 11वें का बी। चलो एक क्वेश्चन मेरा ये है, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, एक ऑप्शन ई और लिख रहा हूं मैं, कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू आरएल ऑफ अ पॉइंट, आरएल ऑफ अ पॉइंट प्लस बैक साइड ऑब्लिक फॉर साइड ऑब्लिक इंटरमीडिएट साइड। क्या ये फॉर्मूला सही हो सकता है? मेरा सवाल ये है, मैं आपके आंसर की तरफ तो आ रहा हूं, थोड़ा सा हम थोड़ा देखें जो एग्जामिनर कर रहा है वो हम यहां पर करना चाह रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जो मैंने ऑप्शन ये लिखा है ई, क्या ये सही हो सकता है? किसी पॉइंट का आरएल प्लस उस पर चाहे वो बैक साइड रीडिंग हो, चाहे वो फोर साइड रीडिंग हो, चाहे वो इंटरमीडिएट साइड हो, वो भी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बराबर होगा। क्या मेरी ये बात सही है? मेरा ये क्वेश्चन है आपसे। ओके, अब देखें यहां पर, देखें ट्रम्प का चाचा काफी टाइम के बाद आए आप लोग, बिल्कुल। अब देखें यहां पर जो ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हमने सभी ने यही पढ़ा है कि रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क, किसी रिड्यूस लेवल किसका, बेंचमार्क का। बेंचमार्क क्या है, जो पॉइंट हमें क्या है ऑलरेडी नोन है, तो उसका आपका आरएल प्लस बैक साइड रीडिंग ही होता है। तो बिल्कुल सही, बी ऑप्शन के साथ जो गए हैं बिल्कुल सही गए हैं। अब मैंने थोड़ा सा चेंज किया कि क्योंकि यहां से क्वेश्चन इन्वर्टेड स्टाफ के केस में, अब यहां देखें, अभी आप अगर इस लेक्चर के थ्रू गए हैं तो अगर किसी पॉइंट में, मैं एच आई की बात कर रहा हूं, ई ऑप्शन हो सकता है, यस सर बिल्कुल, यस सर ई भी सही होगा बिल्कुल। यहां पर नो, जेठूरी जी कह रहे हैं नहीं, देखें यही तो क्वेश्चन आता है, यहां पर देखें यही क्वेश्चन आता है। लेट अस सपोज ये हमारा मीन सी लेवल हो गया, थोड़ी इस चीज को समझें, मीन सी लेवल हो गया, ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है, वो जो ई ऑप्शन लिखा था सही था वो, ठीक है। अब देखें यूएसए, यूएसए नेपाल में, आज तो नेपाल, आज हम इंटरनेशनल हो गए हैं डोबरियाल जी, आज नेपाल यूएसए सब चले गए। अब देखें हम जनरली क्या निकालते हैं, ये आरएल अगर हमें नोन है तो इसको हम बोल देते हैं बेंचमार्क, पर बेंचमार्क भी तो आरएल ही है, उसके बाद हम यहाँ पर रखते हैं स्टाफ और इस पर हम रीडिंग पढ़ते हैं दैट इज बैक साइड, और हम बोलते हैं एच आई एक्चुअल में होता क्या है, इस पॉइंट से जहां पर आपका लाइन ऑफ साइड, आरएल ऑफ लाइन ऑफ साइड बोलते हैं ये, अगर आपका बिल्कुल ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोल सकते हैं उसको, तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन का आरएल मतलब यहां से मीन सी लेवल यहां तक की जो हाइट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एच आई ही तो बोलते हैं, तो ये भी एच आई है, यहां पर भी ये, कहीं पर भी एच आई तो है, तो यही क्वेश्चन चेंज कर रहा, माना इस पॉइंट का आरएल मुझे पता होता तो ये आरएल हो गया, और मैं यहां पर स्टाफ रखता और यहां पर वो चाहे फोर साइड होती, चाहे बैक साइड होती, चाहे इंटरमीडिएट साइड होती, अभी मैं केवल रीडिंग की बात कर रहा हूं, ये मत कहना कि सर मुझे आरएल पता है तो मैं इसको बेंचमार्क बोलूंगा। अगर आपको मैं ये बता रहा हूं कि क्वेश्चनों को चेंज कैसे करता है, तो यहां पर ये फोर साइड भी हो सकती थी, इंटरमीडिएट साइड भी हो सकती थी, और बैक साइड तो मैंने बता ही दिया, ये फॉर्मूला तो हमारा अंडरस्टूड है, तो ये पूरी हाइट अगर देखें तो इस पॉइंट का आरएल प्लस ये रीडिंग ही तो है, तो इसीलिए ई ऑप्शन भी हमारा हो सकता था, अगर वो क्वेश्चनों को चेंज करना स्टार्ट करेगा तो, ये चीज ध्यान देना। अब ये समझ ले, ये डाउट क्लियर है जो मैं बताना चाह रहा हूं ई ऑप्शन को लेके, तो ओके करें एक बार, जिसने डाउट था, जिस जिसको अमित पुरोहित जी बिल्कुल, जी जिसको ये ज्यादातर उन्होंने हाँ सर ही बोला है, सही है सर, करेक्ट बिल्कुल, पंकज रावत ने भी सहमति दी है, जेठूड़ी जी ने नो बोला था, सिविल इंजीनियर ने, इन्वर्टर स्टाफ के केस में भी हम बात कर रहे हैं, तो ये डाउट क्लियर है तो ओके कर दें, हम आगे को बढ़ रहे हैं। तो वो चीज चेंज कर रहा है क्योंकि बच्चा ढूंढने में रह जाता है रीडिंग को, कि क्या बैक साइड है, क्या फोर साइड है, क्या इंटरमीडिएट साइड है, तो वहां पर देखें कि किसके ऊपर कौन सी रीडिंग ली है और कौन सा आरएल क्या है, तो वहां से आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
आप देखें, कैलकुलेट द रिड्यूस लेवल, अब हम न्यूमेरिकल के तरफ को बढ़ रहे हैं, अब हम बढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल की तरफ को। कैलकुलेट द रिड्यूस्ड लेवल ऑफ अ पॉइंट ए, किसी पॉइंट ए का, थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, इफ द स्टाफ रीडिंग टेकन एट पॉइंट ए एंड बेंचमार्क आर 2.7 मीटर एंड 2.5 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो आपको बताना है कि रिड्यूस लेवल ऑफ द बेंचमार्क इज 100 मीटर, तो आपको बताना है कैलकुलेट क्या करना है, आर एल ऑफ पॉइंट ए, जरा देखें इसमें ज्यादा जल्दीबाजी मत करना, आर एल ऑफ पॉइंट ए, मुझे चाहिए आर एल ऑफ पॉइंट ए। अब यही जो मैं आपको फंडा दे रहा था यहां पे, वहां पर इसका यूज है, क्योंकि आप ढूंढते रह जाओगे बैक साइड, कहां लिखा है बैक साइड ये, कहां लिखा है फोर साइड ये, तो कहां आपके फॉर्मूले गए। अब तो जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है उसे पता है कि कौन सी बैक साइड है, कौन सी फोर साइड है, कौन सी इंटरमीडिएट साइड है यहां पे। तो यहां पर आर एल ऑफ अ पॉइंट निकालना है, तो आंसर बिल्कुल बहुत तेजी के साथ आ रहे हैं, 12वें का सी, सी आंसर कपिल नौटियाल जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग, तो होगा। अब चलो देख लेते हैं, देखें आर एल ऑफ अ पॉइंट, अब यहां पर एच आई निकालना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले एच आई निकालने के लिए चीजें छाटनी पड़ेंगी। अब चीजें छाटने के लिए देखें, अब बोला है क्या है, आर बेंचमार्क दे दिया 100 मीटर, तो बेंचमार्क का आर एल दैट इज 100 मीटर, आर एल ऑफ अ बेंचमार्क प्लस, अब मैं कौन सी रीडिंग ऐड करूं, अब यहां पर देखें जो रीडिंग बेंचमार्क के ऊपर ली गई होगी वही आपकी बैक साइड होगी उस समय के लिए, है ना। तो 2.5 मीटर है आपकी बेंचमार्क, क्या लिखा है कि रीडिंग ऑन पॉइंट ए एंड बेंचमार्क्स आर 2.7 एंड 2.5 मीटर रेस्पेक्टिवली, तो यहां से आपका निकलेगा 102.5। बस अब बाकी जो बचा आपकी, वो आपकी इंटरमीडिएट साइड हो चाहे फोर साइड हो, तो आर एल ऑफ अ पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, पूरा डायग्राम में लेक्चर में ए टू जेड समझाया है मैंने इसको, 102.5 माइनस 2.7, तो बिल्कुल सही आंसर के साथ आया है 99.8। तो वो टाइम गया कि आपके फॉर्मूले रट रहे हो, यहां पर चीजों को समझना सीखें, कैसे आप चीजों को समझेंगे, कौन सा आर एल किसकी बात कर रहा है वो लोग, ठीक है। तो ओके है, समझ में आ गया, किसी को डाउट तो नहीं है, ओके कहते हुए चलें या जय माता दी बोल दें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैक साइड रीडिंग टेकन फ्रॉम अ लेवल, अब आ गया हमारा इन्वर्टेड स्टाफ का क्वेश्चन, देखें द बैक साइड रीडिंग टेकन फ्रॉम अ लेवल एंड अ बेंच मार्क इज 1.56 मीटर एंड फॉर साइड एट पॉइंट ए इज टेकन ऑन अ इन्वर्टेड स्टाफ इज 1.24 मीटर। ए पॉइंट पे इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग ली गई है, इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग, इट मींस आपके लिए क्वेश्चन है, मिल लेनी है, इट मींस सवाल तो इसको कर लोगे, रट के आए हो कि इन्वर्टेड स्टाफ जहां लिखा होगा सारी रीडिंग्स रेड, सारी रीडिंग्स हम ऐड कर देंगे, वो चीज छोड़ो, इट मींस इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग का मतलब क्या है, क्या इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग बोलना चाह रहा है। तो यहां पर देखें आंसर आ गए हैं, केवल किशोर सबसे पहला है 152.8 के साथ, और देखते हैं अमित पुरोहित जी भी सी के साथ। तो यहां पर तो देखो सबको पता है वो क्यों होता है, हमने बात भी कर रखी है लेक्चर में, 150 तो आर एल हो गया, ये आपका माना ग्राउंड हो गया, ये आपका माना मीन सी लेवल हो गया, है ना। तो यहां पर माना इस पॉइंट का आर एल माना 150 है, ये तो हो गया 150 भैया। अब इसी के ऊपर यहां पर मैंने स्टाफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन रखा, और यहां पर मैंने स्टाफ रखा, और स्टाफ पे मैंने रीडिंग पढ़ी, जो कितनी पढ़ी कह रहा है 1. ये रीडिंग देखो, ये रीडिंग भी छाटनी आनी चाहिए, एंड ए टेकन ऑन क्या बैक साइड बेंच मार्क इज 1.56। यहां से अगर कोई आपसे पूछ देता कि भैया बेंच केवल एच आई निकालो, तो ऐसा मत करना कि ढूंढते रह जाओगे, बिल्कुल ये नेगी जी सही पॉइंट के साथ आया, सुमित जोशी भी, कि इसका मतलब ये है कि पॉइंट ए कहां पे है, स्टाफ पे है। तो एच आई अगर बोला जाता आपसे, बोलता इतना क्वेश्चन दे दिया एच आई बताओ, और कंफ्यूज कर देता आपको, तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि एच आई क्या है, किसी भी पॉइंट का आर एल जिसका मुझे नोन है प्लस 1.56। तो अगर वो पॉइंट छत में है ए, इसका मतलब छत में है, ये है पॉइंट ए, यहां पर इस पे इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग पड़ी है, ये कितनी पड़ी है 1.24। तो इस पॉइंट का आर एल बताना है, इस पॉइंट का आर एल, और जहां भी आर एल आए मीन सी लेवल से हाइट की बात हो रही है, तो ये पूरी हाइट निकालनी है। सारा डायग्राम में दिख रहा है कि एच आई तो आप ये निकाल चुके हो, और इसमें ये इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग ये ऐड कर दोगे, तो टोटल आपका आ जाएगा 152.8, जो बिल्कुल सही आंसर है, और बिल्कुल सही बताया है कि पॉइंट ए कहां पर आपका सीलिंग में है। तो दो तरीके से क्वेश्चन आता है, इसमें ध्यान दें, एक क्वेश्चन ये आता है कि इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग जैसे ये दिया है,
तो इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग कहने का मतलब यह अंडरस्टूड होना चाहिए कि पॉइंट ए कहां है, सीलिंग में है, या लिखा जाता है कि पॉइंट ए विच इज ऑन द सीलिंग। तो अगर सीलिंग में है तो इसका मतलब जो सीलिंग है तो उस पर रीडिंग ली गई होगी, कौन सी ली गई होगी, इन्वर्टेड स्टाफ। तो ये दोनों चीजों को समझें आप, तो दोनों तरीके से आता है, जैसे यहां पर है इन्वर्टेड स्टाफ, तो इसका मतलब समझ जाना कि पॉइंट कहां है, छत में है, और यहां पर अगर बोला है सीलिंग में है तो इसका मतलब जो सीलिंग में है तो उस पर रीडिंग कैसे ली गई है, इन्वर्टेड स्टाफ से ली गई है। तो बिल्कुल बहुत सही, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ, बिल्कुल आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है, तो ओके करें, मजा आ रहा है, मजे के साथ पढ़ाई करनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम धीरे धीरे अपनी रेंज बढ़ा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेबलिंग मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ टू पॉइंट दैट आर क्वाइट अपार्ट। अगर वो पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा दूरी पर है, बहुत ज्यादा दूरी पर है, तो उस केस में हमें उनका जो एलिवेशन है कैसे फाइंड आउट करते हैं। यस सर, बिल्कुल आंसर कंपटीशन ऐसा लगा है, बच्चे आंसर देने में यस सर नहीं बोल रहे हैं, फिर पर आंसर तेज दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आंसर आने चाहिए आपके। तो बिल्कुल रेसिप्रोकल लेबलिंग, रेसिप्रोकल लेबलिंग बहुत अच्छा आंसर है। रेसिप्रोकल लेबलिंग एक ऐसी लेबलिंग है जो जनरली यूज होती है कहां पे, अगर आपके पॉइंट बहुत ज्यादा दूरी पे हो, या कौन सी कंडीशन आती है जरा आप ही लोग बता दो, कौन सी कंडीशन आती है, कंडीशन क्या आती है जब आपको रेसिप्रोकल लेबलिंग की जरूरत करनी पड़ती है। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो आप ही लोगों से आंसर चाहूंगा मैं। ओके, तो यहां पर आपको बताना है कि अगर पॉइंट आपके क्वाइट अपार्ट है, तो ये सारी लेबलिंग के बारे में हम अभी अभी देख के आ चुके हैं, तो रेसिप्रोकल लेबलिंग ही आपका आंसर होगा यहां पे। तो रेसिप्रोकल लेबलिंग आपकी तब की जाती है जब आपके पॉइंट बहुत ज्यादा दूरी पर होते हैं, या एक स्टेशन को आप कहीं इंटरमीडिएट पॉइंट पे एस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं, जैसे रिवर्स वगैरह के केस में, रिवर्स आ गई आपकी, पॉन्ड वगैरह आ गए, है ना, तो बीच में ऐसे नदी आ गई, ऐसे पानी भर गया, एक आपका बैंक ऑफ द रिवर, एक आपका यहां पर है, एक यहां पर लेबल ये है, तो एक बार उस समय क्या करते हैं, ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है, अभी न्यूमेरिकल दे रहा हूं इस समय, तैयार रहे न्यूमेरिकल के लिए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक बार इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को ए पे सेट करके ए पे ही रीडिंग लेते हैं, और फिर बी पे भी लेते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, बी के पास इसको एस्टेब्लिश करते हैं, और बी से बी पे भी लेते हैं, और बी से ही ए पे भी लेते हैं। तो उनको अलग अलग नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, एच ए, एच बी, अभी हम कर रहे हैं वो क्वेश्चन, एच ए डैश एंड एच बी डैश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, तो हम वहां पे उस चीज को, बिल्कुल केवल किशोर सही आए हैं, लेक वेक, बिल्कुल बिल्कुल, तो वहां पे हम यूज करते हैं किसका, आपका रेसिप्रोकल लेबलिंग का। तो अब चलते हैं, जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो न्यूमेरिकल के साथ हम चलेंगे। अब क्वेश्चन पढ़े, द डंपी लेबल इज सेट विथ इट्स आई पीस वर्टिकली ओवर अ पैग ए, एक पैग है ए, उसके ऊपर वर्टिकली आपने क्या किया है, आईपीस को बिल्कुल एग्जैक्टली खड़ा करके वहां पर इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को सेट कर दिया है। द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ पैग ए टू द सेंटर ऑफ आईपीस इज आपका 1.540, एंड द रीडिंग ऑफ पैग बी इज 0.705। ओके, यहां पर देखें, थोड़ा सा मैं अगर डायग्राम बनाऊं, ये आपका एक पॉइंट हो गया, ओके, ये पॉइंट हो गया आपका ए, जरा इसको समझें भैया, ये इसको समझें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पॉइंट हो गया ए, जिसका आंसर आ रहा हूं निकालते रहें, ये कहीं पर पॉइंट हो गया बी, ओके, दो पॉइंट की बात हो रही है। अब देखें क्या बोल रहा, अ डंपी लेबल इज सेट अप विथ इट्स आई पीस वर्टिकली ओवर अ पैग ए। अब सबसे पहले क्या किया गया, बिल्कुल इसके ऊपर ही रखा गया है, और इस तरीके से कह सकता हूं मैं, बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट इसके ऊपर वर्टिकली ऊपर ही सेट किया गया है, इसका मतलब ये है, और आईपीस तक की जो हाइट है, इसका मतलब जब मैंने इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को ए पे रखा और ए पे ही जो रीडिंग पड़ी है वो पड़ी है, बोल रहा मेरी 1.54, उसके बाद मैंने स्टाफ को रखा बी पे और ए से ही, यहां से मैंने बी पे जो रीडिंग ली, ये ली कह रहा कितनी, 0.705। दूसरे केस में क्या किया, देखें, ये तो पहला केस हो गया, तो
ये 1.54 जो रीडिंग है इसको हम बोलेंगे जब आप इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को ए पे रख के ए पे ही रीडिंग लेते हो, ए पे रख के ए पे ही लेते हो, दैट इज नोन एज एच ए। और जब आप ए पे रख के बी पे रीडिंग लेते हो तो इसको मैं बोल दूंगा नाम एच बी। क्या बोल दूंगा? एच बी। लेक्चर में मैंने इसका डेरिवेशन भी दे रखा है आपको। अब देखें दूसरी बार में क्या किया उसने, बोल रहा दूसरी बार में क्या किया, अब ए तो ये था ही और बी ये था, अब बी के ऊपर रख दिया। अब क्या किया देखो, द लेबल इज देन सेट ओवर बी, अब बी के ऊपर रख दिया दूसरा केस, और बी के ऊपर बी पे ही जो रीडिंग पड़ी वो पड़ी द हाइट ऑफ द आईपीस अबव द बी, दैट इज 1.490। इसका मतलब बी से बी पे ही जो रीडिंग पड़ी 1.490 पड़ी, एंड ए पे जो पड़ी, यहां पे देखें डायग्राम भी बिल्कुल अच्छा बन रहा है इसमें कि जो आपकी डिस्टेंस है वो पता चल रही है, तो ये रीडिंग आपने पढ़ी 2.195। अब ये डेरिवेशन तो होता है मैं आपको बताया था। अब यहां पर देखें, अब एच बी पे रख के जो एच बी पे ही एच बी पे आपने जब इंस्ट्रूमेंट को बी पॉइंट पे रखा और बी से बी पे ही रीडिंग पढ़ी तो इस रीडिंग को हम बोलते हैं एच बी डैश। क्या बोलते हैं? एच बी डैश। और बी पे रखने के बाद जो ए पे पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं एच ए डैश। अब सिंपल इसका एक फॉर्मूला होता है आपका यहां पे कि अगर आपने दो पॉइंट के इन दो पॉइंट का ए और बी का एलिवेशन निकालना है तो यहां पे एक फॉर्मूला होता है आपका एच बी माइनस एच ए प्लस आपका एच बी डैश माइनस एच ए डैश डिवाइडेड बाय टू इन दोनों का एवरेज। तो दोनों पॉइंट से आपने लिया और उसका आपने एवरेज निकाल लिया तो आपका इजीली क्या होती है उस पॉइंट की हाइट निकाल दी जाती है। तो एच ए भी लिख सकते थे एच ए माइनस एच बी, फिर एच ए डैश माइनस एच बी डैश भी हो सकता है, तो कोई डाउट नहीं है आंसर आपका सेम ही आएगा। तो एक्चुअल में कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं यहां पर डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो आइस गॉड ने बिल्कुल कैलकुलेशन आपका एग्जैक्टली दे दिया हमें 1.54 या एच बी डैश भी करते आप तब भी आपका इसी तरीके से आता आंसर माइनस में आता, उससे कोई मतलब नहीं है। माइनस का मतलब आपको दिख रहा है जब कौन सा पॉइंट कहां पर है, तो माइनस का मतलब एलिवेशन का डिफरेंस है, बस एलिवेशन का डिफरेंस है ना। तो हाइट का डिफरेंस, हाइट मतलब वो नेगेटिव ऊपर, आप वहां को लेके चल रहे हो तो आपका एक पॉइंट ऊपर हो गया, नीचे कौन सा पॉइंट है आपको अंडरस्टूड है। तो अगर नेगेटिव में आ रहा है तो कहां से रेस्पेक्ट में है, तो यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है कि कौन सा पॉइंट ऊपर है कौन सा पॉइंट नीचे है। तो बिल्कुल 0.770 मीटर बहुत लोगों के आया आपके, और किसी को ये क्वेश्चन बहुत आने लग गया है एसएससी में, तो सबको किसी को ये क्वेश्चन में डाउट है तो बताएं। अगर ओके है ये क्वेश्चन आपके लिए तो ओके करके थम्सअप कर दें, या थोड़ा बहुत भी इस जो एमसीक्यू मैंने आपको बताया यहां पर आपका मैं क्लियर कर पाया हूं तो आप इसको ओके करके बताएं, आगे को हम बढ़ते हैं। तो ये न्यूमेरिकल इस तरीके के 3-4 बार आपके आ चुके हैं। ओके, तो बहुत अच्छा, मैं देख लेता हूं एक बार किस किस ने आंसर दिए। सी के बिल्कुल, अगर संतोष सती जी, हंडरेंदर कंडारी, प्रियंका, केवल किशोर, हिमांशु डोबरिया, सुवन आर्या, आयुष गौड़, रक्षा गैरोला, अनिल सिंह नेगी, पहाड़ी प्रो, बिल्कुल, फिर अमित पुरोहित, आशुतोष, दीप्ति मैकुरी, बिल्कुल बहुत सही, बहुत सही। तो बिल्कुल 0.77 इसका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा है, इसमें भी जल्दीबाजी ना करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेशियो, ऑफ कर्वेचर करेक्शन टू रिफ्रेक्शन करेक्शन। अब देखें हम किस किस के, हमने क्या क्या पढ़ा। देखें जब लेबलिंग स्टार्ट होती है आप लोग आंसर करते रहिए, पहले लेबलिंग की डेफिनेशन पढ़ी जाती है, फिर कुछ लेबल लाइन, लेबल सरफेस, इनके बारे में पढ़ा जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, मीन सी लेवल, फिर मेथड ऑफ लेबलिंग की हम बात करते हैं जिसमें हमने टिग्नोमेट्रिक, बैरोमेट्रिक सब हमने देख लिया। फिर हम करते हैं एच आई मेथड, आर एल निकालना, फॉर साइड बैक साइड आर एल बेंचमार्क, फिर राइज एंड फॉल मेथड, सारा हम देखो टॉपिक टू टॉपिक कंप्लीट भी कर चुके हैं। हम यहां जो एमसीक्यू है उसमें हम टॉपिक टू टॉपिक भी कवर कर रहे हैं। राइज एंड फॉल मेथड हमने पढ़ लिया, अब हम आगे हैं किसके तरफ, रेसिप्रोकल लेबलिंग भी हमने पढ़ ली, हमने इन्वर्टेड स्टाफ वाले क्वेश्चन भी कर लिए। देखें और क्या बचा इसमें बताओ। अब हम आगे हैं किसकी तरफ, करेक्शन वाले की तरफ। तो डी आंसर आपका देना स्टार्ट हो गया है, डी डी कपिल सी, 16 का सी, बनियो डंगवाल, प्रियंका डी, बिल्कुल जल्दीबाजी ना करें। तो देखें इन्वर्टेड स्टाफ में आगे, अब हम आगे करेक्शन में, फिर आता है इसमें डिस्टेंस ऑफ विजिबल ओरिजिन, फिर आता है सेंसिटिविटी, तो सारे हम टॉपिक टू टॉपिक भी कवर कर रहे हैं यहां पर। देखें बिल्कुल, देखें करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर इज ऑलवेज
साइन में तुम्हारे आंसर आने के बाद मैं लगाऊंगा, डी स्क्वायर अपॉन टू आर होता है, और जो करेक्शन ड्यू टू रेफ्रेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव या पॉजिटिव आंसर देना है, 1/7 डी स्क्वायर अपॉन टू आर, है ना। और ये देखे तो एक तरह से सीसी तो है, सीसी तो रिलेशन क्या आया, सी आर इक्वल टू 1/7 टाइम ऑफ सीसी। अब आपसे पूछा क्या है, पूछा क्या है ये देखें, जो पहला ये सी ऑप्शन दे रहे हैं, इतनी जल्दीबाजी कहां की है, गलत मत करें, 7 आंसर आएगा, जिसका भी 7 है वो बिल्कुल सही है। अब यहां पर देखें, द फॉलोइंग इज करेक्ट रेशियो, कर्वेचर करेक्शन, कर्वेचर को तो डी स्क्वायर अपॉन टू आर, तो सीसी अपॉन सी आर की वैल्यू कितनी है, 1/7 ऑफ सीसी। रेशियो तो तब निकालोगे ना जब सेम चीज में कन्वर्ट करोगे, तो सीसी से सीसी कैंसिल और ये 7 जाएगा ऊपर, तो 7:1 ना कि 1:7, तो आंसर होगा डी, आंसर होगा डी। देखें बिल्कुल बहुत अच्छा, सी शुभम सेमवाल बिल्कुल, करेक्शन कर्वेचर इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव होता है, और करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, फॉर्मूला भी हमने यहां पर लिख दिया है, बिल्कुल डुवरियाल जी भी सही के साथ आए, बिल्कुल, और आंसर होगा 7। देखो आते हुए क्वेश्चनों को जल्दीबाजी में गलत मत कीजिए, आंसे हुए क्वेश्चनों को जल्दीबाजी में गड़बड़ मत कीजिए। तो ये समझ में आ गया होगा आपके, होप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द कंबाइंड करेक्शन। अब मेरे को बताओ पहले भैया, कंबाइंड करेक्शन का फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताएंगे कंबाइंड करेक्शन का, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा ये भी बताओगे, और आंसर तो बताओगे ही बताओगे, ओके। तो कैलकुलेट द कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर, डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर दैट इज द डिस्टेंस डी, ये आपको दे रखा 2 किलोमीटर, तो इसको सॉल्व करके आपने बताना है। तो मुझे हर एक चीज आप इसमें आंसर देंगे, एक क्वेश्चन हमारा पर्पज, एक क्वेश्चन के पीछे नहीं है हमारा पर्पज, है हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को लगाएं। टंगड़िया जी बहुत फास्ट स्पीड के साथ आए सी ऑप्शन के साथ, और टंगड़िया जी गलत नहीं होना चाहिए आंसर, बस यहां देख लो, ये देखो सी सी, चलो देखते हैं सी के साथ आए हैं। अच्छा मैंने वैल्यू चेंज करी थी पर हुई नहीं है शायद, मैंने वैल्यू चेंज करी थी, देखते हैं क्या पता सी सही हो। बिल्कुल कंबाइंड करेक्शन, देखें आपको वैसे तो पता है ये फॉर्मूले, आपको ध्यान होने चाहिए ये फॉर्मूले कि करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी स्क्वायर अपॉन टू आर, रिफ्रैक्शन करेक्शन क्या होता है, प्लस का 1/7 इंटू डी स्क्वायर अपॉन टू आर, और जब हम कंबाइंड करेक्शन की बात करते हैं मतलब सी 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 माइनस का सी सी प्लस सी आर, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 6/7 डी स्क्वायर अपॉन टू आर। और मैंने आपको ये सारी चीजें बता रखी हैं लेक्चर में कि कंबाइंड करेक्शन आपका जो होगा कितना आएगा, 0.0673 लगभग डी स्क्वायर, है ना, माइनस का ये अब बन के आता है कंबाइंड, सॉरी इसको हटा देता हूं मैं पहले कंबाइंड का, तो ये यही होता है कंबाइंड का, पर मैं पहले करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर का ही लिख लेता हूं। कर्वेचर का क्या होता है आप मेरे को फॉर्मूले बताएं जरा, कर्वेचर का फॉर्मूला बताएं आप लोग मुझे, जब तक क्या बन के आता है, ये वैल्यू आपको ऐसे याद होनी चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल यहां पर से तोड़ता है, वो न्यूमेरिकल तोड़ता है यहां से। तो करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर की अगर बात करें तो 0.078 समथिंग 82 शायद बता देना आप लोग डी स्क्वायर माइनस का, सी आर आता है आपका इसी का 1/7 तो प्लस का 0.0112, ओके। नेक्स्ट आपका कंबाइंड करेक्शन वो आता है आपका 0.0 माइनस का 673 डी स्क्वायर। अब खास बात क्या है, डी स्क्वायर कभी भी रखा जाएगा किलोमीटर में, और आंसर जो आएगा वो हमेशा आएगा मीटर में, क्यों आएगा सारा चीजें बताइए, क्यों आएगा बताइए, बिल्कुल 0.078 डी स्क्वायर, प्रियंका ने सही बता दिया, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही, इसका मतलब मैंने भी सही लिखा है फॉर्मूले, तो ये कंबाइंड है, सॉरी कंबाइंड है ना। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल में डायरेक्ट ये आते हैं, न्यूमेरिकल इसलिए डायरेक्ट ये आता है, आपको बोल देगा कि 1 किलोमीटर के लिए बताओ, तो आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 ही होना है, तो कुछ नहीं इस फॉर्मूले में डी की जगह 2 रख देना है, और चेंज कुछ नहीं करना क्योंकि यूनिट जो होगी किलोमीटर में होगी और आंसर जो आएगा वो मीटर में आएगा, ओके। किसी को डाउट है इस चीज में तो बता दें, किसी को इस चीज में डाउट है कि क्यों किलोमीटर में रखें मीटर में आएगा, तो मैं बता दूंगा उसको भी। तो आंसर मैं देख लेता हूं मेजोरिटी किसकी तरफ जा रही है, कैलकुलेशन आपने किया है
सी 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 बिल्कुल, इसका मतलब टंगड़िया जी सबसे पहले सी के बी के साथ आए थे। अच्छा सी के साथ आए थे बिल्कुल, तो आंसर का सी बिल्कुल, 17th का सी होगा। कैलकुलेशन आप लोग देख लेना, तो सी ऑप्शन आप लोग बता रहे हैं तो सी ही सही होगा। तो कुल मिला के इसको इंटू फोर करना है बस, आपने 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ओके है। बी बी ऑप्शन ओके है तो ओके बोल दे जरा, कैलकुलेशन की मेरे को मुझे नहीं पता। ओके है, ओके पंकज डोरियाल, ओके हाँ सर, ओके चलो, इसका मतलब आपको क्लियर है। तो हमने ये कर्वेचर करेक्शन के फॉर्मूले भी देख लिए, कितने बाई कितने टाइम से होता है भी देख लिया, और कितने क्वेश्चन आते हैं वो भी हमने देख लिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम मूव करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द लास्ट रिड्यूस्ड लेवल एंड द फर्स्ट रिड्यूस्ड लेवल इज इक्वल टू, लास्ट रिड्यूस्ड लेवल और फर्स्ट रिड्यूस्ड लेवल के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। लास्ट रिड्यूस्ड लेवल और फर्स्ट रिड्यूस्ड लेवल के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वो पूछ रहा आपसे। पहला ऑप्शन है डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ बैक साइड एंड इंटरमीडिएट साइड, दूसरा ऑप्शन है डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ बैक साइड एंड रिड्यूस्ड लेवल ऑफ बेंचमार्क, तीसरा ऑप्शन है डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ बैक साइड एंड फोर साइड, और चौथा ऑप्शन है डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ बैक साइड्स। ओके चलो देखते हैं, सी ऑप्शन के साथ आ रहे हैं मेजोरिटी। अनिल सिंह नेगी सी, मनोज टंगड़िया सी, पहाड़ी प्रो सी, बिल्कुल सी ऑप्शन, दीप्ति मैकुरी सी, दीपा ए सी, वेग हुसैन सी, बिल्कुल सी आप लोग दे रहे हैं तो बिल्कुल सी आंसर होगा, जो एक्चुअल में आपका क्या है अर्थमेटिक चेक ऑफ क्या है, HI मेथड है, सिंपल ये है, देखो इसीलिए पहले लिखा दिया था। अर्थमेटिक चेक ऑफ HI मेथड क्या कहता है कि समीशन ऑफ बैक साइड, यही तो है, सम डिफरेंस ऑफ सम ऑफ बैक साइड माइनस समीशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, और आपको केवल उसने लैंग्वेज में घुमाने के लिए एक तरह से उसका अर्थमेटिक चेक ही पूछ दिया, तो बिल्कुल इसका आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, सी ऑप्शन होगा। तो बहुत सही आप लोग जा रहे हैं, अर्थमेटिक चेक ऑफ HI केवल के सोर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ अ लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है उसकी हाइट क्या होगी। अब देखो हम विजिबल हॉरिजन की तरफ चल रहे हैं, विजिबल विजिबल हॉरिजन, डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन या हाइट ऑफ विजिबल हॉरिजन। हॉरिजन मतलब क्या होता है, ऐसा पॉइंट, ऐसा बोलते हैं जहां पर समुद्र और आसमान मिलते हैं, कि जैसे हम बहुत दूर देखते हैं तो बहुत दूर हम देखेंगे, बहुत दूरी है तो ऐसा लगेगा कि यार उस पॉइंट में हमारा समुद्र और आसमान मिल रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है। तो हॉरिजन मतलब बहुत दूर कहने का मतलब है, तो उसकी हाइट आपसे पूछ रहा है। तो यहां पर क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ अ लाइट हाउस सो दैट इट कैन बी विजिबल फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। तो जरा मेरे को हाइट डिस्टेंस पूछा है, नहीं सॉरी हाइट पूछी है, हाइट ऑफ विजिबल हॉरिजन, फॉर्मूला भी बता दें, और अगर डिस्टेंस पूछी होती फिर क्या फॉर्मूला होता। डिस्टेंस का भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो 19th का बी बता रहे हैं आप लोग, 1.683। तो देखें ये फॉर्मूला एक्चुअल में कंबाइंड करेक्शन से ही आ जाता है, कंबाइंड करेक्शन में हमने देखा था क्या था, 0.0673 d². तो ये कंबाइंड करेक्शन एक्चुअल में हाइट ही है जो करेक्शन आता है आपका, तो हाइट ऑफ विजिबल ओरिजिन तो यही वाला फॉर्मूला, और डी स्क्वायर आपकी डिस्टेंस है, सीधे आपको वैल्यू रखनी है 0.673। जरा मेरे को डिस्टेंस ऑफ विजिबल ओरिजिन का फॉर्मूला चाहिए आप लोगों से, ये क्वेश्चन बड़ा आता है, डिस्टेंस ऑफ विजिबल ओरिजिन का फॉर्मूला चाहिए, यहीं से आएगा हो डिस्टेंस ऑफ विजिबल ओरिजिन का आप मुझे लोग फॉर्मूला दोगे सभी। तो यहां पर आप केवल डी की वैल्यू क्या रख देंगे, सेम चीज है, जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा, ये आंसर किस में आएंगे आपके मीटर में आएंगे, और जो वैल्यू रखोगे आप किलोमीटर में रखोगे। तो यहां से भी एक UK SSSC में क्वेश्चन आया था, UK PSC में, तो यहां पर आपको केवल डी स्क्वायर की जगह कितना रखना है, 5, डी कितना आपका 5, तो 0.0673 इनटू 5 का स्क्वायर। तो यहां पर आप सॉल्व करोगे तो बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हो, बी ऑप्शन ही आएगा, 1.683। मैं वेट कर रहा हूं आपके, अगर आपने निकालनी है डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन, तो देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। हरेंद्र कंडारी जी आए हैं, बिल्कुल 3.855, देखें उसमें कैसे क्वेश्चन आया था, ये क्लियर है, ओके है,
यहीं पर से उसमें कैसे आया था मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन, UKPSC में जो एक पेपर हुआ था तो उसमें क्वेश्चन था, देखें आपको पता है यही फॉर्मूला हाइट ऑफ विजिबल ओरिजिन की यहाँ से निकाला है तो 0.0673 d², तो उसमें कुछ इस तरीके से आया था, डी की वैल्यू पूछी थी तो डी कैसे हो जाएगा, देखें डी के डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन क्या 0.0673, और इसको अगर डी की बात करूं तो क्या हो जाएगा, देखें 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 0.0673, ये चीज तो ये अंडर रूट में आएगी, इनटू अंडर रूट ऑफ एच, ओके ये चीज तो कुछ इससे रिलेटेड आया था वहां पे क्वेश्चन कि हाइट दे दी थी और ऐसे कुछ टिक मारने को आया था, शायद गुप्ता एंड गुप्ता में भी है, अगर मैं सही हूं तो बताना जरा, गुप्ता एंड गुप्ता में भी सेम क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का ही है। तो यहां पर बिल्कुल सब इसको आप सॉल्व करोगे इस वैल्यू को तो वो डी की वैल्यू जो आएगी आपकी डिस्टेंस ऑफ विजिबल होरिजन वो आने वाली है 3.855 अंडर रूट ऑफ एच, जो डायरेक्ट भी आप यूज कर चुके हो बट ये ऐसे भी क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो देखें ये क्वेश्चन किसमें था जरा, तो 3.855 अंडर रूट ऑफ एच, तो बताना शुरू बिल्कुल, शुभम सेमवाल बिल्कुल बहुत अच्छा, मनोज टंगड़िया, दीप्ति मैकुरी बिल्कुल फॉर बिल्कुल, हरेंद्र केंडारी का सबसे पहला आ गया था, तो 3. इसको सब सॉल्व करोगे तो 3.855 आएगा। तो इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन आया था कि अंडर रूट ऑफ एच अपॉन समथिंग, शायद गुप्ता एंड गुप्ता का ही है, मैं सही जा रहा हूँ, 0.0673, उसमें डायरेक्ट हाइट दे दी थी और इस तरीके के ऑप्शन में टिक मारने के लिए पूछा था। ओके तो होप ये आपके समझ में आया होगा। तो तीनों चीजों को आपने ध्यान रखना है यहाँ से कि एक तो डिस्टेंस ऑफ विजिबल होरिजन है तो ये वाला लगा दें या ये वाला लगा दें, ऑप्शन की डिमांड जिस हिसाब से है, और दूसरा हाइट ऑफ विजिबल होरिजन में आप डायरेक्ट ये लगा लें। ओके तो ओके है, क्लियर है तो ओके कर दें, ओके कर दें, आगे को बढ़ूंगा मैं, ओके करें, ओके तो बोल दो यार, ऐसा तो मत करो। इसके बाद एक इन्फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं कि आपकी प्रिपरेशन क्या चल रही है, आपको वो चीज़ चेक करने के लिए बहुत अच्छा एक आप लोगों के लिए हम लाए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसका मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी तक हम सर्वेइंग की बात करें तो सर्वेइंग में हमने पहला चैप्टर कवर कर दिया, फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग, लीनियर मेजरमेंट MCQ के थ्रू कवर कर दिया हमने, कंपास सर्वेइंग पूरा कर दिया है, ट्रैवर्सिंग पूरा कर दिया है, लेबलिंग आज हम कर देंगे, फिर बचे कंटूरिंग, आपका प्लेन टेबल, कर्व्स वगैरह सब चीज़ें, बिल्कुल ये आनी चाहिए पंकज डोबरियाल, ओके 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 बिल्कुल, इस एनर्जी के साथ यही एनर्जी चाहिए आप लोगों से बिल्कुल। तो उस ये टॉपिक तो हम MCQ में कवर कर ही रहे हैं, एक बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए ये है कि अभी सैटरडे को 100 क्वेश्चन का अभी क्वेश्चन और बचे हैं, कहीं जाइएगा मत, बहुत अच्छा आपको दे रहा हूँ, EM Edu Hub ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट, EM Edu Hub ऐप में सर्वेइंग के 100 क्वेश्चन 2 आवर पूरा UK SSSC बेस्ड 2 आवर का पेपर होगा आपका EM Edu Hub ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ज्यादा से ज्यादा उसको दें और ज्यादा से ज्यादा आपका कंपटीशन चेक करें कि कौन आपकी टक्कर में आ रहा है और कैसे आपको उसको रेस में पीछे करना है। तो 100 क्वेश्चन का 2 आवर का टेस्ट आपका होने वाला है पूरा सर्वेइंग का, और टोटली बेस्ड होगा UK SSSC पैटर्न पे, और हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेगा, हर एक टॉपिक, ऐसा नहीं कि किसी टॉपिक से आ रहे, हर एक टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस लोग को इस पेपर को आप देंगे, ओके ओके है तो ओके, जितने लोग देंगे वो ओके करें फिर से, जितने लोग इस पेपर को देंगे तभी आपको कंपटीशन का पता चलेगा। आप प्ले स्टोर में जाएं, EM Edu Hub ऐप इजीली अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ टेस्ट सीरीज चल रही है, इनको दें, मेन पर्पज यही है कि कंपटीशन से आपको रूबरू कराना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, कैलकुलेट द ट्रू RL ऑफ अ पॉइंट ए, ये क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग बने रहे हैं और क्वेश्चनों को बिल्कुल यस सर, ऐसे ही वहां पेपरों में भी दिखने चाहिए। तो कैलकुलेट द ट्रू लेबल रिड्यूस्ड लेबल, ट्रू रिड्यूस्ड लेबल एक क्वेश्चन यहां पर दे दिया, देखें कुछ एक नाम यूज कर दिया है ट्रू रिड्यूस्ड लेबल, इसको अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, ऑफ अ पॉइंट ए आफ्टर करेक्टिंग द रिफ्रैक्शन एंड कर्वेचर, करेक्शन द स्टाफ रीडिंग एट पॉइंट एट द पॉइंट टेकन फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट सेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए इज 2.56 मीटर, द रीडिंग फ्रॉम द सेम स्टेशन ऑन अ बेंचमार्क ऑफ रिड्यूस्ड लेवल इज 100 मीटर,
100 मीटर इज 1.34 मीटर, ओके। कैलकुलेट द डिफरेंस इन ट्रू आरएल, ये एसएससी का क्वेश्चन है। चलो ओके सर, में कितने आए थे फिर से नील सर? इस हिसाब से तो 30 बच्चे तो यहीं से हो गए। चलो देखते हैं क्या कंपटीशन रहता है वहां पे। बिल्कुल, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। कैलकुलेट द ट्रू लेवल, रिड्यूस्ड लेवल, ट्रू रिड्यूस्ड लेवल ऑफ अ पॉइंट ए आफ्टर करेक्टिंग द रिफ्रैक्शन एंड कर्वेचर। द स्टाफ एट द पॉइंट, एट द पॉइंट टेकन फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट सेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए इज 2.56 मीटर। द स्टाफ फीडिंग फ्रॉम द स्टेशन, सेम स्टेशन ऑन अ बेंचमार्क ऑफ रिड्यूस्ड लेवल इज 100 मीटर इज 1.34 मीटर। चलो डी ऑप्शन के साथ आए हैं, सिविल अड्डा। चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं। देखें सबसे पहले यहां पर क्या बात कर रखी, आफ्टर करेक्टिंग द पॉइंट ए ट्रू आरएल, है ना, ट्रू आरएल निकालना है ना, आफ्टर करेक्टिंग द आपका करेक्शन एंड रिफ्रैक्शन करेक्शन। देखते हैं डी ऑप्शन के साथ सिविल अड्डा है, और कोई आता है तो। द स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन अ पॉइंट इन द इंस्ट्रूमेंट सेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, जो इंस्ट्रूमेंट है उसको 3 किलोमीटर दूर रखा गया फ्रॉम द पॉइंट ए इज 2.56 मीटर। अब आपको बेंचमार्क दे रखा है 100 मीटर और आपको उस पॉइंट पे जो रीडिंग है 1.34 मीटर दे रखा, तो एच आई तो आप एकदम निकाल देंगे 100 प्लस 1.34। बट सवाल ये नहीं है, 20 का देखें, बी आए हैं नील सा, सी आए हैं, चलो ए बी कौन कौन से तीन ऑप्शन हो गए फिर हमारे पास, बी सी डी, कोई ए वाला भी है तो वो भी बता दें। तो यहाँ पर देखें कंबाइंड करेक्शन लगाना पड़ेगा हमें सबसे पहले, क्योंकि देखें कंबाइंड करेक्शन लगाने की जरूरत जनरली कब पड़ती है, जब पॉइंट्स आपके बहुत दूर होते हैं। तो 3 किलोमीटर दूर है तो एक अच्छी खासी डिस्टेंस है, तो कंबाइंड करेक्शन क्या होता है आपको पता है, माइनस का कंबाइंड मतलब रिफ्रैक्शन और कर्वेचर दोनों कंसीडर कर लिए, पॉइंट का 0673 डी स्क्वायर, ओके। तो माइनस का 0.673 इंटू डी स्क्वायर, डी कितना दिया है 3 किलोमीटर की डिस्टेंस दिए, इंटू 3 का स्क्वायर, तो 9 हो जाएगा ये। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो हरेंद्र जी 99.38, चलो देखते हैं। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ रही है पॉइंट माइनस का करेक्शन है तो माइनस का 0.06057, देखें यही आ रही है, देख लें चेक कर लें, यही आ रही है तो कंबाइंड करेक्शन की माइनस का 0.06057, तो ये करेक्शन है। अब ये माइनस का है, इसका मतलब जो करेक्टेड स्टाफ रीडिंग होगी, अब जब हमने करेक्शन अप्लाई कर दिया उसके बाद जो करेक्टेड स्टाफ रीडिंग होगी वो तो आप पढ़ी तो आपने 2.6 है, बट जो करेक्ट करके होगी वो तो क्या होगी जब हम करेक्शन अप्लाई कर देंगे, और करेक्शन है कितने का, माइनस का कितना 0.06057। तो इसको जब आप निकालोगे तो अब आपका आ जाएगा जो करेक्टेड रीडिंग है, तो ये आ जाएगी 1.9543। बाकी इसके आगे अब पुराना क्वेश्चन ही बन गया है। एच आई आप निकाल लो 100 प्लस, एच आई आप निकाल लो 100 प्लस 1.34 तो 101.34 आ गया, और आर एल निकालना है, ट्रू आर एल निकालना है, तो ट्रू आर एल मतलब यू वाली रीडिंग माइनस होगी, एच आई माइनस 101.34 माइनस 1.9543, तो बिल्कुल मेरे हिसाब से आंसर सी ही आना चाहिए, जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट का है सी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आंसर डिलीट मत करें, 12th का सी। तो समझ में आई ये चीज, देखें एक्चुअल में करेक्शन अप्लाई तब करना पड़ता है हमें जनरली जब डिस्टेंस आपकी बहुत लार्ज हो जाती है। तो होप ये आपके समझ में आ गया होगा, तो समझ में आ गया तो ओके कर दे, एसएससी का ही क्वेश्चन है, मैंने खाली वैल्यू चेंज कर रखी, क्वेश्चन एसएससी का है, ओके। तो चलो, तो हम सभी टॉपिक कवर कर चुके हैं लेबलिंग के, छोटे से छोटा एक हमारा और रह जाता है सेंसिटिविटी का, सेंसिटिविटी के भी क्वेश्चन हम लाए हैं आपके लिए। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब, इन चारों में से सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब के बारे में कौन सा तथ्य आपका सही है बोल रहा। पहला ऑप्शन है सेंसिटिविटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन इंटरनल रेडियस ऑफ द ट्यूब,
दूसरा ऑप्शन है सेंसिटिविटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन डायामीटर ऑफ द ट्यूब, तीसरा ऑप्शन है सेंसिटिविटी इंक्रीज विथ डिक्रीज इन लेंथ ऑफ द ट्यूब, और चौथा ऑप्शन है आपका सेंसिटिविटी इंक्रीज विथ डिक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। मेरा एक सवाल और है, अच्छा मैंने अभी तक क्वेश्चन देखा नहीं है, सेंसिटिविटी की यूनिट बताओ तो, सेंसिटिविटी को किस में एक्सप्रेस किया जाता है, सेंसिटिविटी इज एक्सप्रेस्ड इन, एक क्वेश्चन है मेरा, एक्सप्रेस्ड इन सेंसिटिविटी को किस में एक्सप्रेस्ड किया जाएगा, ये सवाल है मेरा। तब तक मैं आपके ऑप्शन के तरफ जाता हूँ, तो कौन सा तथ्य सही है, देखें ये सारे तथ्य गलत है, पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, तो ये उल्टे हैं। तो सेंसिटिविटी डिक्रीज नहीं इंक्रीज करती है अगर आप इंटरनल रेडियस ऑफ द ट्यूब बढ़ाओगे, सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगी अगर आप डायामीटर ऑफ ट्यूब इंक्रीज करोगे, सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगी अगर आप लेंथ को डिक्रीज नहीं बल्कि इंक्रीज करोगे, और आपकी सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगी कब, आपकी अगर विस्कोसिटी क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन डी आपका केवल सही है, ऑप्शन डी आपका केवल सही है कि आपका सेंसिटिविटी क्या होती है कि इंक्रीज करती है जब आपका डिक्रीज इन विस्कोसिटी होता है, तो बिल्कुल ऑप्शन डी आपका सही है। अब देखते हैं ऑप्शन इसका किसने दिया है, तो इसका एमएम बता रहे हैं विपिन भट्ट जी। देखिए एमएम तो डिवीजन होता है, रेडियन डिग्री, डिग्री सेकंड, डिग्री सेकंड, ओके सेकंड जो आपका एंगल, एक्चुअल में सेंसिटिविटी क्या है, सेंसिटिविटी क्या है समझ में ही नहीं आता सेंसिटिविटी क्या है भैया, सेंसिटिविटी कुछ नहीं है, ये लेबल ट्यूब है जो इसमें आपका ये फ्लूड भरा है, यहां पर डिवीजन होंगे इस तरीके से, अगर ये बबल को आपने एक डिवीजन मूव कराना है, एक डिवीजन मूव कराना है, तो जो एंगल आप उसको रोटेट करोगे, जो एंगुलर ट्विस्ट दोगे आप, एंगुलर मूवमेंट है ना, तो एक्चुअल में क्या है आपका सेंसिटिविटी, एंगुलर मूवमेंट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, आपका क्या है, एंगुलर मूवमेंट है आपका, जो आपको प्रोवाइड करा रहे हो कब, जब आपको क्या करना है उस बबल को एक डिवीजन मूव कराना है, तो एक डिवीजन मूव कराने के लिए जो बबल को एंगुलर टिल्ट दिया जाता है दैट इज नोन एज सेंसिटिविटी, है ना। तो आपका बिल्कुल रेडियन सेकंड है ना, तो कितना टिल्ट दिया कैसे बताओगे, सेकंड में, डिग्री पर एमएम कह सकते हो, तो एक एमएम की बात होगी, तो एमएम आपका वन ही लेना है आपने, है ना, तो वन एमएम, तो इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी। बहुत अच्छा, तो ये क्वेश्चन अच्छा लगा आपको, आने के संभावना है, रेडियन सेकंड इसमें, तो एक्चुअल में सेंसिटिविटी क्या है, एक एंगुलर टिल्ट देने में के जो आपको नंबर ऑफ डिवीजन, सॉरी एक डिवीजन मूव कराने के लिए जो आप लेवल ट्यूब को एक एंगुलर टिल्ट जितना आप रोटेट करोगे तो दैट इज नोन एज सेंसिटिविटी। तो बिल्कुल इसका बहुत ये दो तीन चीजें आती है, सेंसिटिविटी होता क्या है, यूनिट आपसे मैंने पूछ दी है, ये इसके फैक्टर कैसे कैसे इफेक्ट करते हैं, तो सारे ये गलत दे रखे इसने, उल्टे हैं इसके, और ऑप्शन डी आपका सही है, और उसको हम डेजिग्नेट करते हैं किससे, रेडियस ऑफ द बबल ट्यूब से। सेंसिटिविटी को किससे डिजिग्नेट किया जाता है, बबल ट्यूब से। फिर से एक टेम्परेचर का इफेक्ट भी पूछा जाता है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे सेंसिटिविटी क्या होगी, सेंसिटिविटी क्या होगी, एक यहां पर भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी क्या होगी, कम तो इंक्रीज होगी सेंसिटिविटी। अच्छा सवाल आप पहले आ गए, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा कम होगा, तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी क्या होगी, मुझे ये पूछना है। मेरा सवाल ये है, यहाँ पर सिविल अड्डा जी कौन सा आंसर, आंसर तो आप लेके आए हो, तो मेरा सवाल ये है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सेंसिटिविटी क्या होगी, सेंसिटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, बिल्कुल डिक्रीज होगी। देखें डिक्रीज होगी क्योंकि देखें टेम्परेचर आप क्या हो, एक्सटर्नल दे रहे हैं, एक्चुअल में विस्कोसिटी और टेम्परेचर का रिलेशन देखोगे तो इनवर्स रिलेशन है, बट अगर किसी ने डेफिनेशन समझी तो एक्चुअल में क्या है कि इस बबल को मूव करने के लिए जो हम एंगुलर टिल्ट दे रहे हैं, अब जो डेजिग्नेट की जाती है किससे करी जाती है, इस बबल के डाया से, अब इसके अंदर भरा है फ्लूड, अब जो टेम्परेचर है वो आप कैसे दे रहे हो उसको, एक्सटर्नल फ्लूड कौन सा भरा जाता है, फ्लूड आप ऑलरेडी भर चुके हो, जो आपका क्या होगा लो विस्कस होगा, कौन सा भरा जाता है आपका, एक क्वेश्चन और आ गया, क्वेश्चन कौन सा फ्लूड भरा जाता है, दूसरा चीज
इसीलिए भरा जाता है क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम होती है। विस्कोसिटी कम होगा तो सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी तो एक्यूरेसी उतनी अच्छी आएगी, क्योंकि आपको क्या होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट को सेंसिटिव होना चाहिए। एक बहुत अच्छा टॉपिक है ये, तो सेंसिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी अच्छी हमारी क्या होगी, इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी। तो इसीलिए यहाँ पर जो फ्लूड भरा जाता है वो लो विस्कस फ्लूड भरा जाता है, जिसकी विस्कोसिटी कम है। अब देखें, जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये, अब ये कैसा है, एक्सटर्नल है, ये कैसा है, एक्सटर्नल है, ये कैसा है आपका, एक्सटर्नल है ना। अब ये एक्सटर्नल है, अगर आप सेंसिटिविटी की डेफिनेशन समझ गए हैं कि एक्चुअल में है, तो बाकी आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा फैक्टर क्या क्या है। सेंसिटिविटी की डेफिनेशन में ही सब कुछ है, तो जितना जल्दी मूव करेगा उतना ज्यादा सेंसिटिव होगा, तो लो विस्कस होगा। दूसरी चीज, अब जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो बबल छोटा होने लग जाएगा, और बबल छोटा होगा तो सेंसिटिविटी घटेगी। तो बिल्कुल सही से ऑप्शन के साथ आए थे आप, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्लूड फैलेगा, फ्लूड फैलेगा तो बबल छोटा होगा, बबल छोटा होगा तो आपकी सेंसिटिविटी डिक्रीज होगी। बिल्कुल बहुत सही, तो यहां पर आपका आंसर भी आने लगे हैं, बिल्कुल लो विस्कस फ्लूड अल्कोहल और इथेनॉल, बिल्कुल लो विस्कस फ्लूड यहाँ पर यूज होता है, तभी तो आपका जल्दी जल्दी आपका रफनेस भी आपकी कम होनी चाहिए। जितनी ज्यादा अगर अंदर स्मूथनेस होगी उतना जल्दी मूव करेगा, ये फैक्टर तो आप अपने आप निकाल लोगे अगर आप डेफिनेशन समझ गए। तो यहां पर समझना है आपने क्या, लो आपका विस्कोसिटी जो आपने आंसर दे दिया, क्या इथेनॉल अल्कोहल इसीलिए यूज होता है। ओके, तो ये आपके शायद जितने क्वेश्चन इससे बनते हैं आपको इनके डाउट क्लियर हो गए होंगे। न्यूमेरिकल जो बनता है उसके तरफ मैं बढ़ रहा हूं, डाउट क्लियर हो गया है तो ओके कर रहे हैं सभी को, क्योंकि फैक्टर जो है आप अपने आप कॉमन सेंस लगा के कर लोगे अगर आप डेफिनेशन समझ गए। डेफिनेशन वही है कि सेंसिटिविटी इज द एंगुलर डिफॉर्मेशन जो हमें उसको प्रोवाइड करा रहे हैं, कब, जब उसको 1 mm डिवीजन हमने मूव कराना है। तो ओके कहें, बिल्कुल ओके तो कम नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो लास्ट इसको हम खत्म करेंगे, बिल्कुल स्मूथनेस जितनी होगी इंक्रीज करेगी सेंसिटिविटी, बिल्कुल बहुत अच्छे। तो ये फैक्टर आप ऑटोमेटिक पता कर लेंगे अगर आप सेंसिटिविटी की डेफिनेशन समझ गए हैं। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ है लास्ट, कैलकुलेट द एरर इन द स्टाफ रीडिंग ऑन द स्टाफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 mm, 100 meter है, सॉरी मैं इसको डिस्टेंस को करेक्ट करना चाहूंगा, यहाँ पे 100 meter है जो डिस्टेंस है, 100 meter है, ड्यू टू आउट ऑफ द सेंटर ऑफ द बबल बाय 4 divisions। वो आपका जो बबल है वो 4 divisions आउट हो गया है बोल रहा। द सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब इज 30 seconds पर 2 mm डिवीजन, है ना। तो 1-2 mm डिवीजन में आपका 30 seconds है। तो अभी अभी हमने बात कर रखी है कि सेंसिटिविटी को डिफाइन कैसे किया जाता है, या तो रेडियन बोल दो, या अगर एक डिवीजन की बात कर रहे हैं तो रेडियन पर mm हम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रेडियन पर mm। तो पर mm डिवीजन में 1 mm डिवीजन को रोटेट करने के लिए कितना हमें उसको क्या करना पड़ रहा है, टिल्ट करना पड़ रहा है। ओके, सी ऑप्शन आने भी लग गया केवल किशोर, चलो देखते हैं, बहुत अच्छा चल रहे हैं इसका मतलब। ओके, तो यहां पर देखें, इसका आंसर आपने बताना है कि आपको ये बोला है कैलकुलेट द एरर इन स्टाफ रीडिंग। अब देखें एक्चुअल में होता क्या है, जब आपका इस तरीके से बिल्कुल हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होगा इक्विपमेंट, तो आपका बबल बिल्कुल सेंटर होगा, बबल ऐसे सेंटर में होगा, और जैसे ही ये हल्का मूव हुआ तो बबल सेंटर से ना होके कहां हो जाएगा, थोड़ा इधर उधर टिल्ट हो जाएगा। इधर उधर टिल्ट होगा तो माना अब ये इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ, थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो गया, कैसे भी हो सकता था, इस तरीके से हो गया। ओके, तो इस तरीके से आपका बबल क्या हो गया, टिल्ट हो गया, है ना। तो इस तरीके से टिल्ट हो गया, तो जो रीडिंग अब आपने यहां पर पढ़नी चाहिए थी, अब आप कितनी पढ़ रहे हैं यहां पर, तो एक्चुअल में ये क्या है, एरर ही तो है, एरर इन स्टाफ रीडिंग ही तो है, कि जो पढ़नी चाहिए थी यहां पर वो आपका जो बबल आपका शिफ्ट हुआ उसके वजह से आपने यहां पर पढ़ दी। तो ये एरर, या बहुत लोग इसको बोल देते हैं कि आपका स्टाफ में इंटरसेप्ट जो बन रहा है उनके बीच का, तो एक्चुअल में जब आपने उसको टिल्ट किया तो उनके बीच में, इसको कहीं कहीं पर एस भी लिख देते हैं। तो ये चीज आप समझें, ये जो आउट ऑफ अलाइनमेंट गया है ये वैल्यू वो है, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज एस। आप देखें, अब आपके पास अगर आप इसको पूरा डेरिवेशन इसको देखेंगे तो डेरिवेशन आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपका एक रिलेशन है फाई बराबर, दैट इज क्या आपका, इसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 206265, अगर हमको आंसर चाहिए सेकंड में, इनटू एस, एस आपका समझ गए हैं ये है, अपॉन आपका एल इनटू एन,
एल इन टू एन। अब एन यहां पर सेंसिटिविटी आपने निकालनी है, ओके। यहां पर देखें आपका ये यूनिट किस में आ रही, जो एरर के आंसर दे रहे हो वो भी बता दो आप, एरर जो आंसर दे रहे हो उसकी यूनिट भी बता दो मेरे को, यूनिट एरर की आंसर की यूनिट भी बता दो। देखें एन आपको नंबर ऑफ डिवीजन दिए ही है, चार डिवीजन, एल आपकी है डिस्टेंस, वही कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस को एल या कहीं पर डी भी लिखा हो सकता है, तो दैट इज 100 मीटर, और सेंसिटिविटी आपको दे दी है 30 सेकेंड। तो सीधे जो भी आप वैल्यू रखोगे तो वही जो और यूनिट में, ये आपका डिवीजन है इसकी कोई यूनिट नहीं है, सेकेंड आपका ऑटोमेटिक ये चेंज करके आया हुआ है, तो जो भी वैल्यू एस की होगी वो आपकी किस पर डिपेंड करेगी, एल की वैल्यू पे। तो यूनिट बता दें जरा इसकी, एमएम, अनिल सिंह ने कि एमएम नहीं होगी भैया, मीटर होगी, केवल किशोर जी बता रहे हैं बिल्कुल, इसको सॉल्व करेंगे मीटर आएगी इसकी यूनिट, जो आएगी आपकी मीटर, क्योंकि एल को आपने यहां पर रखा है मीटर में, मैंने आपको बता दिया था 100 मीटर है, एन की कोई यूनिट आनी नहीं है, डिवीजन है, ऐसा आपका जो भी होगा इस पर डिपेंड कर रहा है आपका, क्योंकि 2026265 कैसे आया था मैंने आपको बताया था, सेकेंड को चेंज करके आया था, बिल्कुल मीटर आएगी इसकी यूनिट। तो आपका आंसर सी, आंसर सी बिल्कुल आपका सही है, 0.058 मीटर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स रह रहा है, तो बहुत बच्चों के आंसर आ भी गए हैं, ओके। तो तब तक एक आंसर, ये आपका लेबलिंग आपको समझ में आया पूरा का पूरा, जो हमने एमसीक्यू सेशन किया, हमने एक एक टॉपिक इसका छान छान के हर एमसीक्यू को मैंने इसमें कवर करने की कोशिश किया है, तो होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और कैसा आपको लगा अपने व्यूज़ हमें ज़रूर दीजिए, और इसी तरीके से जैसे आपने आज बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है बहुत से सारे बच्चों ने लगातार, तो उसी तरीके से आपका पार्टिसिपेशन हमको रेगुलर बेसिस पर चाहिए, ताकि हम लोग आप लोगों से ज़्यादा और मेहनत करें, और उसके बाद आप लोग और ज़्यादा करके अपना रिजल्ट गेन करें। तो होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और आगे भी हम कल को इस नेक्स्ट आगे को इसकी सीरीज को आगे को बढ़ाते हुए और जो भी टॉपिक बचे हैं वो कवर करेंगे, और मेन चीज जो आपको है आप टेस्ट जरूर दीजिए प्ले स्टोर में EM Edu Hub ऐप में, उसका पूरे 100 क्वेश्चनों का डिस्कशन भी हम यहां पर लाइव क्लास विद बच्चों की रैंकिंग, मैं रैंकिंग भी बताऊंगा आपकी फर्स्ट 5 स्टूडेंट की रैंकिंग आपको दूंगा मैं फर्स्ट 5 की उसमें, तो देखते हैं क्या आपका कंपटीशन है, तो ये कंपटीशन यहाँ तक तो सीमित नहीं है, तो इसीलिए जितने ज़्यादा अपने अच्छे फ्रेंड जो हैं आपको अपनी तैयारी को चेक करना है, तो अंधों में काना राजा नहीं बनना है, अपने अच्छे अच्छे दोस्तों को भी उसमें आपने मोटिवेट करना है कि आप टेस्ट दीजिए, और आपको उनके हिसाब से अपनी रैंकिंग को क्रॉस चेक करना है कि आप किस प्लेटफॉर्म में लाई कर रहे हो। तो होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, बाकी हम कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, थैंक यू क्लास।